Hey, hello and welcome back, future doctors and engineers. So good morning to all of you guys. So आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अपनी लास्ट के इस कंसेप्ट यू नो वीडियो का और इस लेक्चर का. ओके, सो इसमें आपको सिखाई जाएंगे वो सारे बेहतरीन टूल और अप्रोच जिससे आप ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हो. और बिफोर यू नो वाचिंग दिस वीडियो, मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये लेक्चर. आप जाके, मैंने जैसे कि आपको बताया ऑलरेडी, ग्राफ पे मैथमेटिकली मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देखो पहले, वहां से आपका बेसिक मैथमेटिकल फंडा क्लियर हो जाएगा. वैसे तो यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा बट उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा कि किस तरीके से आप अच्छे से ग्राफ को डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो, समझ सकते हो, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हो ग्राफ के रिगार्डिंग. ओके, तो आपने देखा यार ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं बट बहुत ईजी होते हैं, आपके एग्जाम में टफ नहीं होते हैं, बस बेसिक से कंसेप्ट भी आप याद रखेंगे ना तो भी फोड़ के आ जाओगे. ओके, तो सबसे पहले तो कैसे हो आप लोग, और बढ़िया, होप सो बढ़िया आपकी प्रैक्टिस जा रही होगी और आप मस्त होंगे. ठीक है, क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होंगे, अच्छे से नोट्स आप मेंटेन कर रहे होंगे, क्योंकि वही आपका खजाना है, आपके नोट्स ही आपका खजाना है. ठीक है ना, वही आपके कैरियर बिल्डिंग में आपके साथ देने वाले हैं, बाकी तो सब फर्जी चीजें हैं. ठीक है ना, तो हमारी नॉलेज वही हमारे लिए बहुत जरूरी होती है. ठीक है, क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो नॉलेज के बेस पे और लॉट ऑफ प्रैक्टिस के बेस पे ही बीट किया जा सकता है, कॉन्टिन्यूसली काम करना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स सी, तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी, ज्यादा बातें ना करते हुए. ओके, सो ग्राफ के कंसेप्ट को समझ रहे हैं, उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताऊंगा, कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें बताऊंगा, क्योंकि वो आपके दिमाग में होनी बहुत जरूरी है, तभी आप ग्राफ को अच्छे से समझ पाओगे, ड्रॉ कर पाओगे, आपको ग्राफ बनाने आ जाएंगे एक्चुअली. तो बस ध्यान से देखना, पहले 10 से 15 मिनट बहुत ही ध्यान से आपने समझना है कि मैथमेटिक्स का यूज क्या है, और विदाउट मैथमेटिक्स वी कांट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ग्राफ, है ना. इवन फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना ही मुश्किल होता है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो मैंने यहां लिखा है द कंसेप्ट ऑफ ग्राफ. देखो भाई, ग्राफ का मतलब एक किसी भी जो सिचुएशन हमारे पास होती है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2D एक्सिस का यूज करते हैं. मतलब जो 2D जो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आप बनाते हो, उसका हम यूज करते हैं. पहले उसको रीड करना सीखेंगे, उससे रिगार्डिंग जो चीजें हैं उनको सीखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप 2D एक्सिस बना लो, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है. और एक चीज मैं जो यहां बताऊंगा वो पहले से ही दिमाग में रखना है, जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहां बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको पहले से दिमाग में रखना है कि अच्छा ऐसे ऐसे करते हैं और इसमें इस चीजों का ख्याल रखा जाता है. ठीक है जी, तो यार हम सबको पता है कि ये टू डायमेंशनल हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज योर ओरिजिन. ठीक है ना, ओरिजिन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप मान सकते हो. ठीक है, इसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हो. आपको पता है ओरिजिन का मतलब होता है जहां एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, पहली वैल्यू एक्स की दूसरी वैल्यू वाई की. ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, मतलब यहां से मेजरमेंट करना हम स्टार्ट करते हैं, है ना. दिस इज योर इनिशियल पॉइंट. ठीक है, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, ऐसे आप मान सकते हो. ठीक है, फिर क्या याद रखेंगे सर, इसमें जो वेरी करने वाली चीज होगी, जो वेरिएबल होगा, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी, इट मे बी वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, किसी और चीज के अकॉर्डिंग चेंज, उसको एक्स एक्सिस पे बनाना है. मतलब एक्स एक्सिस पे बनाते हैं हम वेरिएबल को, ठीक है, जो चेंज होता है, अभी बताऊंगा कैसे. और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं हम फंक्शन को, जिसकी वजह से जो चीज चेंज होती है. ठीक है ना, यहाँ पे वेरिएबल आएगा जो चेंज हो रहा है, उसके चेंज होने की वजह से किस में चेंज आ रहा है उसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, उसको फंक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं, फंक्शन. कैसे सर, देखो सपोज को मैंने x इक्वल टू दिया आपको 5t स्क्वायर. ठीक है, तो पता कैसे चलेगा सर, तो इक्वल के इस साइड में जो होगा उसको नॉर्मली हम फंक्शन लिखते हैं, मतलब ये फंक्शन होगा. ठीक है, और इधर जो होगा ये टी, चूंकि यहां वेरी करता है, टाइम तो वेरी करेगा ना हमेशा, अभी 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, एक दिन दो दिन तीन, टाइम तो चलता जा रहा है. दिस इज वेरिएबल, यानी राइट साइड में जो होगा, राइट साइड में है ना, वो हम वेरिएबल मान के चलते हैं. तो टाइम यहाँ पे वेरिएबल है, टाइम जो है वो वेरिएबल है. ठीक है, आप समझ जाएंगे, टाइम इज द वेरिएबल, और टाइम के चेंज होने की वजह से एक्स चेंज हो जाएगा. मतलब अगर टी की वैल्यू कोई यहाँ पे 0 पुट करेगा तो एक्स 0 आ रहा है. देखो, अगर टी की वैल्यू 1 पुट करेगा तो 1 का स्क्वायर 1, तो 5 आ रहा है एक्स. तो टी अब अलग अलग पुट कर रहे हो आप, 2 2 4 20 हो जाएगा, तो ये 20 आ रहा है. देख लो, एक्स की वैल्यू 0 थी जब टाइम 0 था, एक्स की वैल्यू 5 है जब टाइम 1 सेकंड है, टाइम 2 सेकंड है तो एक्स की वैल्यू 20 है. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू जो चेंज हो रही है वो टाइम की वजह से चेंज हो रही है, मतलब टाइम इज द वेरिएबल, समझ गए ना आप. तो टाइम को हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, मतलब टाइम को हम लिखेंगे ना कहीं इधर, और जो ये एक्स है इसको, ये एक्स मैंने एक फंक्शन माना है यहाँ पे, अगर इसको हम ऐसे मान लें, वेलोसिटी मान लें, ठीक है ना,
तो ये वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, ऐसे मान लो आप, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम फिर यहां लिखेंगे, ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिसको हमें कैलकुलेट करना है उसको वाई एक्सिस पे रखना है, जिसकी वजह से कैलकुलेट करना है मतलब जिसमें चेंज आ रहा है और उस चेंज की वजह से जो चीज चेंज हो रही है उसको एक्स एक्सिस पे लिखना है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो चूंकि हम यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, उसके ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल हमेशा इसमें टाइम रहने वाला है, ठीक है। और अगर कुछ और हुआ भी तो वेरिएबल को हमेशा एक्स एक्सिस पे बनाना है और बाकी को वाई एक्सिस पे बनाना है, सिंपल, ठीक है ना। इतना फिलहाल के लिए आप इसको याद रखें। दूसरी बात दोस्तों जो बहुत जरूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, यहां पे सपोज करो अगर आपसे कोई टर्म कहीं पे यूज हो रहा है स्लोप, ठीक है, आप स्लोप नाम का कोई टर्म यूज कर रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप, ठीक है। तो मैथमेटिकली आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तो स्लोप का मतलब है क्या, ठीक है ना। स्लोप का मतलब होता है कि इस 2D एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ का मतलब कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई कर्व बनाते हैं, तो वो कर्व, वो कुछ भी है, वो लाइन, ठीक है ना, है ना, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ठीक है, दैट एंगल, जो वो एंगल बना रहा है मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे वो एक्ट करेगा, इंक्लाइंड करेगा, है ना, उस पर्टिकुलर टर्म में, है ना, उसको हम उसका इंक्लाइनेशन को बोलते हैं, उसकी स्लोप। एंड हाउ वी कैन राइट दिस मैथमेटिकली, दैट स्लोप कैन बी रिटन एज, जैसे अगर मैं यहाँ वाई एक्सिस मान रहा हूँ यहाँ पे एक्स, तो इसको हम लिख देते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है ना, इसको लिख देते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। वैसे मैंने पहले बताया आपको ये, सो दिस इज योर स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स। इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते हो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इस रेशियो को हमेशा स्लोप का नाम दिया जाता है, और स्लोप हमेशा इक्वल टू होती है टेंजेंट ऑफ थीटा के, ठीक है। स्लोप को हमने लिखा dy ओवर dx, अभी बताऊंगा मैं कैसे, पहले आप मीनिंग समझो कि किसका मीनिंग क्या है, किसको क्या बोलते हैं। तो dy ओवर dx का मतलब उस पर्टिकुलर ग्राफ में हम dy ओवर dx निकालेंगे, मतलब उसका रेशियो निकालेंगे वर्टिकल लाइन का और एक्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना, इसी को स्लोप कहते हैं, इसी को टेंजेंट ऑफ थीटा से मेजरमेंट इसका किया जाता है, ठीक है। टेन थीटा का यूज करेंगे स्लोप निकालने के लिए हमेशा, स्लोप नाम का टर्म, इंक्लाइनेशन, झुकाओ यार, ऐसे समझो, जैसे देखो ये डस्टर है बिल्कुल सीधा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे 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 बेंड कर दूं, ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा झुका हुआ है मतलब एक्स एक्सिस के साथ, तो ये इसका झुकाव जो होता है ये इसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, अब ये बिल्कुल वर्टिकल है, ठीक है, फिर ऐसे झुक रहा है, झुक रहा है, झुकते 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 अगर इसी पे गिर जाए, अगर ये इसी पे गिर जाए बिल्कुल उसी के पैरेलल हो जाए तो स्लोप जीरो हो जाती है, बताऊंगा मैं कैसे कैसे। तो झुकाव हिंदी में समझो, झुकाव इंक्लाइनेशन, ठीक है। हाउ टू यूज मैथमेटिकली इन द ग्राफ सिचुएशन, ग्राफ सिचुएशन में इसका यूज कैसे करना है, अभी देखो ध्यान से, सपोज करो, लेट्स सी गाइस, मैंने क्या किया, इसको आप समझना कि ये ओरिजिन है, अब इसको आप याद रखेंगे कि है ओरिजिन। सपोज करो एक लाइन मैंने जस्ट ऐसे खींच दी, ऐसा एक कोई कर्व मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है, आप समझ सकते हैं, ठीक है, एक कर्व मैंने यहाँ पे डिजाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखने के लिए इसको मैंने एक्सटेंड किया और इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं बॉस, समथिंग लाइक दैट। तो ये देखो कर्व है, एक लाइन है, एक कर्व है, मैंने यहाँ पे बना दिया है सिंपली, तो इसका मीनिंग क्या हुआ सर, भाई ध्यान से समझना आप, देखो, ठीक है। और इसको करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, और इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कहीं पर भी कोई आपने गर्व यू नो लाइन ड्रॉ करी या कोई कर्व ड्रॉ किया, तो कैसे सर, अगर वो ऐसी लाइन ड्रॉ करी, देखो ऐसे लाइन ऐसे जा रही है, वो लाइन कहीं से भी पास हो, जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट को मेंशन कर दो, ध्यान से समझना भाई, मैं कोशिश पूरी करूंगा आपके दिमाग में इन चीजों को एंटर कराने की, जिससे आप इसका मीनिंग समझ जाओ क्या है, फिर बहुत आसान हो जाएंगे आगे की चीजें, ठीक है। तो जब भी कोई लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और वो लाइन कभी भी अगर एक्स एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट करती है, तो हमेशा पता क्या करना है, जिधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी उधर से, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन का एंगल चेक करना है, और एंगल चेक करने के लिए देखो आपने ऐसे जाना है एंटी क्लॉकवाइज, आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, फिर से समझो, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना है, यहां से स्टार्ट करना है और उस लाइन पे जाके रोकना है। तो ये जो एंगल दिखाई दे रहा होगा, अगर ये 90 से कम नजर आ रहा है, देखो 90 से तो ऑब्वियसली कम है, क्योंकि 90 तो यहां से यहां तक होगा, एक्स से वाई तक 90 होता है, ठीक है, एक्स से वाई तक 90 होता है, लेकिन ये तो वाई पे पहुंच ही नहीं पाया, तो पहले ही खत्म हो गया, तो ये एंगल दिख रहा है आपको 90 से कम है। तो बेसिकली ये जो एंगल है इसी को इस लाइन की स्लोप कहते हैं,
कि ये इतना झुका हुआ है, ये इतना इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ। एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से लेना है, वो भी पॉजिटिव वाली से, और एंटी क्लॉकवाइज को घुमा के लेना है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, पहले इतना समझो। तो यहाँ पे जो थीटा होगा, ठीक है ना, इसी को इसकी स्लोप कहते हैं, है ना, कि ये कितना झुका हुआ है, कितने एंगल पे झुका हुआ, कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, सिंपल। और ये 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब मैं समझाऊंगा, जब भी कभी 90 डिग्री से कम हो तो उसकी जो स्लोप होगी ना, स्लोप यानी टेन थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी निकल के, कुछ भी आए, है ना, प्लस में आएगा आंसर, कुछ भी आए प्लस में आएगा, बस इतना ध्यान रखना है, कुछ भी आए प्लस में आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ, थोड़ा सा आइडिया लगा। अब आ जाओ वापस, अगर ऐसा हुआ, ठीक है, ये है आपकी एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है ना, अगर कोई लाइन फिर से है लेकिन अब वो ऐसे ना जाके इधर से कहीं से आ रही है ऐसे, और जब ये एक्स एक्सिस से पास होती है तो यहां कट कर रही है, ये लाइन है, फिर मैंने देखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो सर इधर है, और इधर से कहीं से मैंने इस लाइन तक एक एंगल बनाने की कोशिश करी ऐसे, आप देख सकते हो ये जो एंगल यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा नजर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा 90 से ज्यादा है, क्यों सर, क्योंकि अगर 90 होता तो इस पॉइंट पे बिल्कुल वाई एक्सिस ऐसे होती और यहां से यहां तक 90 होता, तो इससे 90 से इतना आगे अगर एक्सटेंड कर गया तो ये 90 से ज्यादा है, और जब भी ये 90 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव होगी हमेशा, मतलब उसका जो आंसर आएगा, मतलब टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, बस इतना ध्यान रखना है। ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से नोट करते जाना, सारे ग्राफ में यूज होंगे। बॉस मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, बहुत आराम से बता रहा हूँ आपको, विदाउट एनी यू नो हार्ली बर्ली सिचुएशन, ठीक है। सो ये ध्यान से आपने समझ लिया कि सर हमेशा ना एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस लाइन तक लेके जाना है, और हमने चेक करना है कि वो 90 से कम है या 90 से ज्यादा, कोई भी एंगल हो जो 90 से कम हो, 30 डिग्री 40 डिग्री यू नो 30 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री 90 से कम होना चाहिए, 60 70 80 90 से कम होना चाहिए, तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव कहलाएगी, उसका सिग्निफिकेंस आगे देखेंगे क्या होता है, और उसके आंसर हमेशा प्लस में आएगा, इसका आंसर हमेशा नेगेटिव यानी माइनस में आएगा, आप इस बात का ख्याल रखेंगे। अच्छा सर, कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो एंगल है क्या वो कभी जीरो हो सकता है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लेट्स सी गाइज, सपोज करो मेरे पास एक ऐसी लाइन है, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और मैंने क्या किया, जो लाइन पहले मैंने ऐसे खींची थी फिर ऐसे खींची, ऐसे ना खींच के, चूंकि हम एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से देखते हैं, ठीक है ना, एंगल तो हमेशा एक्स एक्सिस से देखते हैं, अगर कोई लाइन मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल बिल्कुल जैसे एक्स एक्सिस है वैसे ही खींच दिए, देखो इसके पैरेलल बिल्कुल, है ना, ये एक्स ऐसे है, ये खींच दी और एक्स एक्सिस बिल्कुल पैरेलल हो गए, तो भाई पता क्या है, चूंकि ये इसके पैरेलल हो चुकी है, तो जब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया होगा उसको बोलते हैं जीरो डिग्री। ये एंगल बनेगा ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा सर, देखो एंगल का मतलब होता है दोनों लाइन के बीच का गैप, देखो ये लाइन है और ये मेरा हाथ है, तो अभी तो एंगल है, लेकिन जैसे ये इसके ऊपर लेट जाएगा एंगल खत्म, क्योंकि गैप खत्म इनके बीच, इंक्लाइनेशन झुकाव खत्म, पेड़ बिल्कुल ऐसे है, पेड़ झुका हुआ है ना ऐसे पेड़, और पेड़ टूट के नीचे गिर जाए जमीन पे तो एंगल खत्म हो जाता है, क्योंकि जमीन पे गिर गया कि जिसके साथ वो गैप बना रहा था, समझ गए। तो जब भी कभी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो समझ जाना उसका एंगल जीरो होगा, मतलब हम बोलेंगे उसकी जो स्लोप है, उसका जो झुकाव है, उसका जो इंक्लाइनेशन है, मतलब उसका जो टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी, इतना ध्यान रखना है बस। यानी जब भी कोई ऐसा ग्राफ होगा, जब भी कोई ऐसी लाइन होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी सिमिलरली, ठीक है, तो उसका एंगल, एंगल मेड बाय दैट लाइन विद द एक्स एक्सिस ऑलवेज टेकन है जीरो, मींस उसकी स्लोप जीरो है, मतलब उसका झुकाव है ही नहीं, है ना, जैसे मैं खड़ा हूं अभी ऐसे हो गया मैं, फिर तुरंत नीचे गिर जाऊं जमीन पे, तो मेरा जो इंक्लाइनेशन है वो खत्म हो जाएगा ना, जैसे आप बेड पे होते हो यार, आप लेटते हो, ठीक है, आप बेड के ऊपर लेटे हो तो बेड, आपकी बॉडी और बेड की जो सरफेस है उसमें कोई गैप नहीं है, मतलब वो पैरेलल ही है एक दूसरे के, ठीक है, उसी के ऊपर लेट गया हो, उसी के ऊपर लेटे हो आप, ठीक है, तो देयर इज नो एंगल बिटवीन योर बॉडी एंड द बेड, ठीक है, सरफेस, ठीक है ना, तो जीरो माना जाएगा, जीरो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, जब हम उठते हैं तो ऐसे उठ गए, तो ये जो गैप बन गया ना इसके और इसके बीच में, ठीक है, इसको एंगल बोलते हैं, इसको स्लोप बोलते हैं, इसको इंक्लाइनेशन बोलते हैं, दैट्स इट, जा रहा है ना दिमाग तक, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि स्लोप का मीनिंग क्या है, मैथमेटिकली स्लोप को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसी को हम लिखते हैं टेन थीटा से, प्लस कब है माइनस कब है सब कुछ आपसे सामने है, इतनी बात केवल अभी आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग टू दिस, इतनी बात।
अब मैं चलता हूं दूसरे पॉइंट पे। ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले तीन पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए, उनको पहले एक हो गया, अब दूसरा फिर तीसरा, ठीक है। ओके, तो ये समझ लिया हमने, ठीक है ना, समझ लिया बढ़िया तरीके से। अब जो हमने अप्लाई करना था, जो सबसे पहले मैंने कर्व बना था उसमें अप्लाई करके देखते हैं। देखो ध्यान से, ये कर्व ऐसे है कुछ। अगर किसी बच्चे ने, ध्यान से समझना भाई, अगर किसी बच्चे ने इस पॉइंट पे इस कर्व के कहीं पे भी एक हमें एंगल देखने के लिए, अगर अगर स्ट्रेट लाइन नहीं दे रखी है, कोई कर्व दे रखा है ना, कोई कर्व दे रखा है, स्ट्रेट पाथ नहीं दे रखा है, तो उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करो, जिसको हम टेंजेंट कहते हैं। कर दिए, देखो टच करती हुई लाइन, ठीक है, ये टच करती हुई लाइन है इस पॉइंट पे, इसको टच करती हुई ऐसे जा रही है, ठीक है, इसको टच करती हुई ऐसे जा रही है। तो इस पॉइंट पे ही सेम इस एक्स एक्सिस, चूंकि एंगल हम एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं, इसी के पैरेलल एक लाइन खींच दो, ठीक है, देख लो। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल है उसको चेक कर लो, लेस देन 90 डिग्री है कि नहीं, 90 से कम दिख रहा है, कुछ भी है, थोड़ा सा गैप है ना, तो 90 से कम ही है। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि इस ग्राफ पे यहां से लेके चाहे यहां पे खींचो, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे, यहां तक का एंगल 90 डिग्री से कम रहेगा, मतलब यहां से यहां तक की स्लोप पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसके टॉप पॉइंट पे आप आओ, देखो यहां पे, यहां पे आओ, देखो जब इसको टच करती हुई लाइन खींचोगे, देखो ये लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल हो गई, मतलब इस पॉइंट पर अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट पे स्लोप हो चुकी है जीरो। इसलिए ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, यहां पे बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। जब स्लोप जीरो होगी, इसका मीनिंग आके आगे मजा आ जाएगा बॉस, आपके दिमाग के तार बुल जाएंगे। लेकिन आप बोलोगे, यार सर अगर इसे थोड़ा सा बाद में यहां पे ले आए, तो जब यहां पे लाइन ड्रॉ करोगे ना, टच करती, देखो ये लाइन, इसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाए, तो जब ये एंगल देखोगे ना आप इधर से, तो ये 90 से ज्यादा आ रहा है, देखो 90 से ज्यादा, मतलब इस पॉइंट में जो स्लोप है वो नेगेटिव होगी। इससे नीचे, मतलब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हाईएस्ट पॉइंट के, ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट के लेफ्ट में जो भी पॉइंट होगी सबकी स्लोप पॉजिटिव आएगी, और इसके राइट में जो भी पॉइंट होंगे सबकी स्लोप नेगेटिव आएगी। इतना आप समझ गए होंगे। और हाईएस्ट पॉइंट पे हमेशा, इन एनी सिचुएशन, इन होल फिजिक्स, स्लोप हमेशा जीरो होने वाली है। इतना दिमाग में एंटर कर जाओ बस, हाईएस्ट पॉइंट के लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में स्लोप पॉजिटिव, उसके जस्ट इधर राइट में स्लोप हमेशा नेगेटिव होगी। चाहे इस पॉइंट पे देखो, चाहे इस पॉइंट पे, नेगेटिव का मतलब उसका जो एंगल होगा 90 से ज्यादा होगा, और उसका आंसर नेगेटिव में आएगा, और इससे पहले आंसर पॉजिटिव आएगा, और यहां पे आंसर हमेशा जीरो आएगा। कूल ना, मजा आ रहा है, कर देंगे ना, उड़ा देंगे ना, देखेंगे ना अभी धीरे धीरे। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं। पहला हमारा क्लियर हो गया, व्हाट इज द डायरेक्ट अप्रोच, व्हाट इज द बेसिक अप्रोच, हाउ टू अंडरस्टैंड द बेसिक रीजन बिहाइंड टू ड्रॉ द ग्राफ। ओके, वो हमने देख लिया है, अब इस पे फोकस करना, फिर थर्ड जो बताऊंगा फिर उस पे फोकस करना, फिर ग्राफ को उड़ाते चले जाएंगे हम, मजा आएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर टू क्या याद रखना है सर, कुछ मैथमेटिकल चीजें और हैं जो आपको याद रखनी है। व्हाट इज दैट सर, देखो अगर कहीं पे y इस तरीके से है, अब मैं उसी के टर्म्स में ले रहा हूं, चूंकि x एक्सिस पे, चूंकि ये जितने भी 1D के ग्राफ होंगे वो लगभग लगभग टाइम के रिस्पेक्ट में होंगे, या मतलब वेरिएबल टाइम मान लूं मैं डायरेक्ट, ऐसे आप समझ सकते हो। अगर अगर आपको y दे रखा है, मतलब y एक्सिस पे जो भी होगा, ठीक है, वो इस तरीके से दे रखा है कि t की पावर 1 है, या तो ऐसे है देखो, ठीक है, या ऐसे है कि 2+t है, ठीक है, इस तरीके से है, ऐसे आप मान सकते हो, या ऐसे है कि t, मतलब ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, t-3 लिख लो, 4 लिख लो, whatever, इस तरीके से है, ठीक है। और एक सिचुएशन ऐसे हो सकती है कि y की पावर t² है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, मतलब 2t² हो सकती है, या t² + 2, समथिंग लाइक दैट, ऐसे हो सकती है, जो ज्यादातर यूज होंगे मैं उन्हीं की बात करूंगा। या y जो होगा वो 1/t हो सकता है, ठीक है ना, या y 1/t² हो सकता है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। मतलब सर t यहाँ पे वेरिएबल है और ये यहाँ पे फंक्शन है, एंड आपसे बोले कि इनके ग्राफ ड्रॉ करो, तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको पता होना चाहिए ग्राफ बनेगा कैसे। मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा आपको, आपने यहीं से अप्रोच लगाना है, यहीं से डायरेक्ट देखना है और यहीं से समझना है सिचुएशन क्या है, ठीक है, बहुत ध्यान से भाई, ठीक है। सो दिस इज वन, फर्स्ट वन, देखो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो दो चीजें होती है, एक वेरिएबल जो वेरी कर रहा है ना, और एक उसका फंक्शन।
है ना, जो उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो टाइम कुछ भी रखा जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग वाई चेंज हो जाएगा ना। तो जो टाइम है ना, उसकी जो पावर है, जैसे यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, तो ये जो टी की पावर है ना, पावर जैसे ही वन आ रही है, ये डिसाइड करेगी ग्राफ का नेचर कैसे होगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा या कोई कर्व बनेगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी पावर अगर वन है, जैसे इसकी पावर आ रही है वन, तो हमेशा चाहे वो ये हो, ये हो, ये फंक्शन हो, जब भी टाइम की पावर, अगर टाइम की जगह कुछ और भी होगा ना, एक्स होगा, पावर वन देखनी है बस, थीटा होगा, कुछ भी होगा, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, अगर पावर वन है तो हमेशा ग्राफ का नेचर होगा स्ट्रेट, यानी स्ट्रेट लाइन बनानी है हमेशा, सीधी लाइन। अब वो एंगल कितना बनाएगी वो अलग बात है, अभी आपको बस नेचर समझना है कि स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन सीधा ग्राफ बनेगा, मतलब सीधी लाइन, ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइन बननी चाहिए, मेरा कहने का मतलब है लाइन बननी चाहिए, ठीक है। अब इधर आ जाओ, पॉइंट नंबर टू पे आ जाओ, ठीक है, होले होले आ रहा है बॉस, ठीक है। अब मैंने देखा यार सर, यहाँ पे तो टी की पावर टू है, और यहाँ पे भी टू है, इसमें भी टू है, फंक्शन अलग अलग है, इसमें केवल टी है, इसमें टू टी है, इसमें टी स्क्वायर प्लस टू है, फंक्शन अलग अलग है, ठीक है, लेकिन पावर तो टू है, दिस इज योर पावर। अगर पावर टू है तो हमेशा पैराबोला बनेगा, बस इतना याद रखना, हमेशा पैराबोला बनेगा, पैराबोलिक फंक्शन। मतलब सर क्या कह रहे हो आप, पैराबोले का मतलब होता है इस तरीके का कर्व बनेगा आपके पास, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, वो डिपेंड करेगा मतलब किस तरीके की सिचुएशन दे रखी है, मतलब ये कर्व टाइप का बनेगा। मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए कैसे दिखेगा, जैसे ये सीधी लाइन दिख रही है तो ये ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ठीक है ना, अब इधर आ जाओ, ठीक है। अब वो ग्राफ अलग अलग बनेंगे वो अलग बात है, ठीक है। यहाँ पे जो टी है ना, वो वन बाई में है, डिनोमिनेटर में है, और इसकी पावर वन है। जब भी वन बाई टी होगा या वन बाई टी स्क्वायर होगा, ये दोनों केस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे तो इस बार क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो इन दोनों केस में हमेशा हाइपरबोला बनता है, हाइपरबोला याद करो कैसे, अगर इधर है वाई और इधर है टी तो ऐसा ग्राफ बनेगा, हमेशा याद रख सकते हो आप इस चीज को, हमेशा। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस साल के 2022 के नीट की बात करो, ठीक है, जेई वगैरह के बच्चे तो उसको कर लेते हैं क्योंकि उनको मैथमेटिक्स अच्छे से आते हैं, ठीक है। उसमें पूछा था कि जो वेवलेंथ होती है डी ब्रोगली, वो एच अपॉन पी होती है, तो वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में ग्राफ क्या है, ये तो कॉन्स्टेंट है, यानी जैसे वन कॉन्स्टेंट है, तो देखो इसको मान लो वाई, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, और इसको मान ले टी, तो देखो टी और ये एच कॉन्स्टेंट है, तो सेम ग्राफ नहीं बन गया इसका, तो उसका ग्राफ क्या बनाना था अपने, लैम्डा, और इधर बनाना था अपने पी, और ऐसे बनाना था सिंपल, क्योंकि पी की पावर यहाँ पे वन है। अच्छा सर अगर टू होती तो भी ऐसा ही ग्राफ बनता, बस स्लोप का फर्क हो जाता है, कम ज्यादा हो जाती है स्लोप, ग्राफ का नेचर ऐसे ही रहेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको, हाइपरबोलिक है, बस याद रखें, ठीक है। और इसमें अगर इसको मैं दोबारा से बताऊं आपको, मान लिया आपने इधर y बना लिया और इधर t बना लिया, ठीक है ना, तो जब आपने देखा t की पावर 2 है, और जो t की पावर 2 और t वाला जो टर्म्स है वो प्लस में होना चाहिए, जैसे प्लस है इसका कोफिशिएंट, यहाँ पे भी प्लस है देखो, और ये भी प्लस है, अगर ये प्लस है तो जो ग्राफ बनेगा ना महाराज ग्राफ, ठीक है, ग्राफ जो बनता है वो हमेशा y की तरफ बनेगा, मतलब या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, मतलब ग्राफ का नेचर ऐसे कुछ होगा, इतना बस ध्यान रखना है आपने, ठीक है, इस तरीके से वो दिखाई देगा सिंपली, ठीक है। और इसमें तो आपको पता ही है स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, ठीक है, सीधी लाइन आपके पास बनने वाली है, यानी अगर ये y है ये t है, तो जैसे ये दे दिया t, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा, या तो लाइन ऐसे बनेगी या यहां से पास होगी या यहां से, कहां से पास होगी वो अलग बात है, या ऐसे भी हो सकता है, ये y है ये t है वो ऐसे भी जा सकती है जैसे मैंने अभी बताया, तो सीधे मतलब स्ट्रेट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें पता कैसे चलेगा कि ग्राफ का नेचर कैसा है, स्ट्रेट नेचर है या पैराबोलिक नेचर है या हाइपरबोलिक नेचर है, और वो दिखने में कैसा होगा, है ना, दिखने में कैसा होगा, ये जरूरी है ना। जैसे आप चलते हो, सबका चलने का तरीका अलग होता है, तो व्हाट इज द स्टाइल ऑफ मोशन, वो चल कैसे रहा होगा, पार्टिकल चल कैसे रहा होगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स, और मैंने टाइम के टर्म्स में ले लिया क्योंकि हम टाइम के टर्म्स में ही पढ़ने वाले हैं सब कुछ, ठीक है, हम क्वेश्चन भी टाइम के टर्म्स में ही करने वाले हैं इस चैप्टर में। जब भी कभी इस टाइप की तीन सिचुएशन आपके सामने आ जाए, तो जो पहली सिचुएशन होती है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को बनाने का उसका डायरेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, यू कैन रिमेंबर, अगर मैंने लिखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी, और यहां पे भी आप प्लस माइनस ले सकते हो, ये इक्वेशन m इज द स्लोप, m है यहाँ पे, m को मैंने स्लोप की जगह लिख दिया, स्लोप कहते हैं इसको, और x की पावर 1 है, और x की जगह कुछ भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, वेरिएबल जो भी होगा वो हो सकता है, और जो c है ये कांस्टेंट वैल्यू है, c एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी हेल्प से भी आप जल्दी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो,
मतलब वाई जो वाई एक्सिस पे बनेगा, एक्स जो एक्स एक्सिस पे बनेगा, और उसके फंक्शन में कोई प्लस माइनस में कॉन्स्टेंट हो सकता है। प्लस का मतलब इसकी स्लोप प्लस हो सकती है, माइनस का मतलब इसकी स्लोप माइनस हो सकती है, और प्लस सी का मतलब ये जो प्लस माइनस का मतलब इसका जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव हो सकता है, और माइनस का मतलब इसका कांस्टेंट नेगेटिव हो सकता है। मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा है टू, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा है टू, ये कांस्टेंट है, टी भी है और टू भी है, या टी भी है टू भी है, देखो माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। ये हो गया, ये लाइन, ये फॉर्मूला हमेशा यूज किया जाएगा फॉर स्ट्रेट ग्राफ, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट है ना लाइन ग्राफ, इतना यूज कर सकते हो बॉस, बस इतना सा बेसिक याद रखेंगे, आगे मजा आने वाला है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा सर, अगर पैराबोलिक हुआ तो दिख रहा है ना आपको y इज इक्वल टू x की पावर कुछ भी हो सकती है, टू, सॉरी, अगर आपको पैराबोलिक बनाना तो जो x होगा ना उसकी पावर 2 लेनी है, बस 2 केवल, x की जगह कुछ भी हो सकता है, टाइम हो, कुछ भी हो, इसका कोफिशियंट कुछ भी हो सकता है, कोफिशियंट में कुछ भी हो सकता है, इसके मतलब नंबर कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 व्हाटएवर कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, ये बस पावर पे आपने ध्यान देना है, सिमिलरली यू कैन रिमेंबर। और थर्ड जो मैंने आपको बताया ये जनरल फॉर्मूला, ये आप लिख सकते हो 1/x, जब भी ऐसा फंक्शन मिले जिसमें जो फंक्शन है वो 1/x की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, या 1/x² पे डिपेंड, बस दो पावर लेनी है, ठीक है, तो हमेशा अगर आप ये बनेगा सिंपल, आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आप बनाओगे कैसे, यूज कैसे करोगे, यहीं पे देख लो ध्यान से, यहीं पे देख लो, ठीक है, देखो भाई कैसे करेंगे सर, देखो अगर अगर आपने ग्राफ का जो ड्रॉ करना है उसको बनाने का जो तरीका होता है उसको आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि स्लोप प्लस है या माइनस है, या कांस्टेंट की वैल्यू प्लस है या माइनस है, वो डिपेंड करेगा गिवन क्वेश्चंस में, और यहाँ पे भी डिपेंड करेगा। देखो अगर एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशियंट पॉजिटिव है तो मैंने आपको बताया ये हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएगा, जैसे वाई एक्सिस इधर है, एक्स एक्सिस इधर है, तो ये ऐसे बनेगा लेकिन ऊपर को जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से वो डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन अगर ये कुछ ऐसे दे दिया माइनस एक्स, अगर माइनस में आए तो ये पक्का नीचे को जाएगा, पक्का नीचे को जाएगा, इसकी स्लोप फिर नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होती है, नेगेटिव साइन की वजह से नीचे को जाता है और पॉजिटिव की वजह से ऊपर को जाता है, और चूंकि यहाँ पे केवल एक्स है, इसके प्लस माइनस में कोई नंबर नहीं है, तो आप इसको ओरिजिन से पास करा सकते हो, जब मैं ग्राफ बताऊंगा तो वहां पे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे चीजें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वहां पे हमारे फंडे होने लगेंगे, बिल्कुल क्लियर, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बस इतना आपने ध्यान रखना है, दिस इज योर बेसिक कंसेप्ट बिफोर स्टार्ट टू ड्रॉ द ग्राफ, है ना, सो दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट, ड्रॉ करने से पहले ग्राफ को अपने वन डायमेंशनल मोशन के, ठीक है, उड़ा देंगे। अब चलते हैं डायरेक्ट अपने कंसेप्ट पे जो हमने करना है। ओके गाइस, सो ग्राफ स्टार्ट करने से पहले उससे रिगार्डिंग जो कल हमने बातें करी थी, परसों हमने बातें करी थी, ऑलरेडी 2-3 लेक्चर आपके पास हो चुके हैं, उन पे जो हमने बातें करी थी उनको जल्दी से एक बार रिवाइव कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी फॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ओके लेट्स सी, तो यार देखो सबसे पहली बात आपने वेलोसिटी लिखी थी, आपने वेलोसिटी, ठीक है, उसको आप लिखते थे dx/dt। तो मैंने अभी बताया था आपको जब भी कोई वैल्यू रेशियो में होगी, यहाँ पे है dx/dt, इसको आप कह सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो रेशियो है इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप लिख सकते हैं ना, है ना, मैंने बोला था ना आपको, यानी इसको मैं लिखूंगा स्लोप, किसकी सर, जिसके टर्म्स में ये है एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, बस इतना ध्यान दो, यानी सर ये जो स्लोप है ना एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ की, वो अगर नहीं मिल जाए तो उससे वेलोसिटी मिल जाएगी। इस पे भी तो क्वेश्चन आया था इस बार, इस पे भी तो क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है, ये जो बेसिक से क्वेश्चन चाहिए आपके एग्जाम में पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। अच्छा सर कैसे आया था, अभी देखेंगे ना। ओके लेट्स सी, कैसे सर याद दिलाओ थोड़ा सा, देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी मुझे स्लोप निकलनी हो tan थीटा, तो मैं इसको लिखूंगा dy/dx, तो tan थीटा को मैं लिखूंगा स्लोप, और dy की जगह जो फंक्शन होगा, जैसे यहाँ x है और इस x की जगह यहाँ पे टाइम है, तो ये बन गया dt, तो ये बन गया कि नहीं आपको पास, देखो दिस इज द स्लोप एंड दैट स्लोप को हम लिख सकते हैं v। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि जब भी कभी हमारे पास एक ग्राफ होगा जो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में होगा, अगर हम उसकी स्लोप निकाल लेंगे तो वहां से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इसके इक्वल होती है और ये स्लोप के इक्वल होता है। सीधा सा लॉजिक, ठीक है, सीधा सा लॉजिक, इसलिए इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो पॉइंट, आपने पढ़ा था a इज इक्वल टू dv/dt, याद करो एक्सेलरेशन होता था dv/dt, ठीक है ना, तो ये किसकी स्लोप है, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज द स्लोप अगेन, स्लोप ऑफ बट किसकी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, vt ग्राफ,
ठीक है, इसको लिखेंगे वीटी ग्राफ की स्लोप है। सर ये तो वीटी ग्राफ है, और ये स्लोप वीटी ग्राफ से जो मिलेगी वो हमें क्या देगी, मतलब ये हमें देगी एक्सेलरेशन। मतलब स्लोप को हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा। मतलब ए को लिखा जा सकता है टेंजेंट थीटा, और ये होता है डीवी ओवर डीटी, सिंपल। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगर हमें ग्राफ दे रखा हो वेलोसिटी और टाइम का, तो उसका टेन थीटा निकाल लेंगे, और टेन थीटा हमें पता ही होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है यार। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, जो बचपन में पढ़ा था आपने, बस उसका यूज करना है। धीरे धीरे फंडे क्लियर होंगे, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेने का, आप बस देखते जाओ मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, प्लस कब है, माइनस कब है, ये सब पता है हमें। ठीक है ना, प्लस कब है, माइनस कब है, ये सब पता है हमें। कैसे सर, देखो अगर मैं यहां पे बात करूं एक्स टी ग्राफ की, ठीक है ना, तो लेट्स सी गाइज, ये है एक्स, ये है टी, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो वेरिएबल है और टाइम को एक्स एक्सिस पे लिखना है, और जो इसका यू नो फंक्शन होगा वो हमें वाई एक्सिस पे लिखना है, जैसे यहाँ पे एक्स है, एक्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपने एक ग्राफ कुछ ऐसे बना दिया, ऐसे एक लाइन इसके बीच में, एक ग्राफ इसके बीच में, कोई कर्व ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो यार इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब होता है अगर हमने इसकी स्लोप निकालनी है तो उस पर कहीं भी एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट पे टच करते हुए एक लाइन खींचो, और उसको तब तक खींचो जब तक वो एक्स वाली एक्सिस, यानी ये वाली एक्सिस, नॉट एक्स वाली, टाइम वाली एक्सिस बोलेंगे हम, उसको कट ना करे, और टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज उसका एंगल चेक कर लो। देख लिया, अगर ये एंगल 90 डिग्री से कम आ रहा है, मतलब इसकी जो स्लोप है वो कैसी होगी, पॉजिटिव, यानी इसका जो टेन थीटा है वो क्या होगा, पॉजिटिव, ओ थ्री। और एक्स टी ग्राफ में जो टेन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, अभी तो निकाला वी के इक्वल, तो वी क्या होगा सर, यहाँ पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से जो वेलोसिटी मिलेगी वो पॉजिटिव होगी, वो राइट साइड में इंक्रीज करते हुए जा रही होगी, है ना। दिस इज योर वेलोसिटी, ये पॉजिटिव आएगी, ये मीनिंग होता है पॉजिटिव का, मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, गाड़ी आपकी इंक्रीज करती हुई जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट वन, ठीक है ना, दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट वन। और इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, उस तरीके से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप यहां पर भी चेक कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, इसकी स्लोप अगर बनानी है तो आप यहाँ ले सकते हो वीटी ग्राफ। वैसे मैं इंडिविजुअली अलग अलग सिखाऊंगा आपको ग्राफ, यहाँ पे आप ले सकते हो वीटी ग्राफ। तो वीटी अगर हुआ, जैसे वाई एक्सिस पे वी लिखा है, इधर टी, इसकी स्लोप निकालने से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, बस इतना ध्यान रखेंगे। मान लें ग्राफ ऐसे आपने दिया है और यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, इसको टच करते हुए केवल यहाँ पे देखो थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है, तो यहां से जो एंगल मिलेगा यानी टेन थीटा जो मिलेगा वो एक्सेलरेशन देगा, ना कि वेलोसिटी। सर वेलोसिटी क्यों 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 नहीं देगा, क्योंकि यहाँ वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ से स्लोप वी डिवाइड बाई टी मिलती है, मतलब डीवी ओवर डीटी मिलती है, तो ये एक्सेलरेशन देता है। एक्सटी ग्राफ हुआ तो वेलोसिटी मिलेगा, और वीटी ग्राफ हुआ तो एक्सेलरेशन मिलेगा, इतना तो हम याद रख ही सकते हैं, सिंपल है। अब ये प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, कब वो डिक्रीज करती हुई जाएगी, कब इंक्रीज करती हुई जाएगी, बॉडी रेस्ट पे थी तो क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो यार ये आप ध्यान से देखेंगे और इसको आप समझेंगे कि हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट to solve that graphical problems and for better understanding of our graphs. Okay guys, so अब हम बात कर लेते हैं अपने सारे important graph जो one dimensional motion में आपको सीखने को मिलेंगे, और जो उनके regarding जो mathematics थी, जो basic fundamental concept थे, वो already हमने discuss कर लिया है, वो आपको बहुत जरूरी है कि वो आपको आना चाहिए, जिससे आप graph को easily understand कर सके, graph को सॉल्व कर सके, ग्राफ से ग्राफ बना सके। ओके, लेट्स सी, तो देखते हैं भाई कितने एटलीस्ट जो कंसेप्ट हैं आपके पास ग्राफ वाले, वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, उनका अप्रोच आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ग्राफ्स की जो कंसीडर करते हैं मोशन यू नो इन वन डायमेंशन। ओके, तो सबसे पहला हम बात करेंगे, देखो दोस्तों जो ग्राफ यहाँ पे हम यूज करते हैं, जो ग्राफ्स यहाँ पे यूज होते हैं वन डायमेंशनल मोशन के लिए, तो सबसे पहले जो ग्राफ यूज किया जाएगा दैट इज एक्सट्री ग्राफ, पोजिशन टाइम ग्राफ बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, और दूसरा जो ग्राफ यहाँ पे यूज किया जाएगा दैट इज वीटी ग्राफ, एंड तीसरा ग्राफ जो नॉर्मली यूज किया जाता है दैट इज एटी ग्राफ। नीट के लिए और जी मेन्स के लिए ये ग्राफ बहुत ही जरूरी होते हैं हमारे बेसिक लेवल पे कंसेप्ट को अच्छा बिल्ड करने के लिए, फिर अच्छे से अच्छी प्रॉब्लम भी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो और भी आगे इसमें ग्राफ होते हैं फर्दर, बट इसका बेसिक कंसेप्ट आप और समझ लोगे तो मजा आ जाएगा, फिर Easily आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये है पोजिशन टाइम ग्राफ, एंड दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड दिस इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्लियर है, वन बाय वन सबको क्रैक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक्सटी ग्राफ, है ना, डिस्प्लेसमेंट या पोजिशन टाइम ग्राफ। तो मैं यहां बात करूंगा एक्सटी टाइम ग्राफ, तो इससे क्या क्या पूछा जा सकता है और आपने क्या क्या अपने दिमाग में रखना है, बस इस बात पे आपने ध्यान देना है। ठीक है, जल्दी से बढ़िया तरीके से। तो यार जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ग्राफ बना रहे हैं पोजीशन वर्सेस टाइम, और टाइम को हमेशा
एक्स वाली एक्सिस पे बनाएंगे और पोजीशन को चूंकि एक्स माना है तो उसको वाई एक्सिस पे बनाएंगे। ये मैंने आपको बता रखा है कि कैसे बनाना है। तो लेट्स सी, दिस इज योर टाइम एक्सिस एंड दिस इज योर पोजीशन डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स एक्सिस। क्लियर है? ओके सर। अब जनरल कंसेप्ट अगर मैं इसको बताऊं कि कोई एक लाइन अगर आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, सपोज करो कोई एक लाइन आपने इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस तरीके से, तो वो जो लाइन है, ये जो लाइन यहाँ पे बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। सपोज करो इसमें मैंने कोई दो पॉइंट कंसिडर कर लिया, या फिर आप इसकी स्लोप निकाल के देख सकते हो, इसके दो पॉइंट मैं कंसिडर कर लूँ, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, और यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ मैं ए से बी तक, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ाऊंगा, इसको वाई एक्सिस पे आगे बढ़ाऊंगा, और ये इसकी स्लोप देखूंगा, ये स्लोप है टेन थीटा, और ये थीटा है तो ये भी टेन थीटा ही रहेगा, मतलब ये भी, सॉरी, ये भी थीटा ही रहेगा और ये भी थीटा ही रहेगा आपके पास, मतलब चूंकि स्ट्रेट लाइन है, बस आपने समझना है कि कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से आपने इसका यूज करना है, ठीक है। तो यहां से आप इसका यूज कैसे कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको देख सकते हो यार, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो इस ट्राइंगल में आप टेंजेंट ऑफ थीटा निकालेंगे इसकी स्लोप कैलकुलेट करने के लिए। और सपोज करो इधर जो टाइम है इसका, ये है स्मॉल टाइम ले लो, और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस वर्टिकली कवर करेगा, दिस इज डी एक्स ले लो, यहां से लेके यहां तक। तो जब आप tan थीटा इसका निकालोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो dx ओवर dt, और इसको देखते ही आप समझ जाएंगे, उत्तरी यार सर ये तो dx अपॉन dt है, दैट इज द वेलोसिटी, अरे ये तो डिफरेंशियल फॉर्म है, स्मॉल चेंज है, मतलब इसकी जो स्लोप है वो dx अपॉन dt होती है और वो हमें वेलोसिटी देती है, और यही मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं आपको अभी ग्राफ सिखा रहा था। तो जब भी कभी xt ग्राफ गिवन होगा तो xt ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट कर लेना, उससे वेलोसिटी मिल जाती है, उससे आपको उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। यानी आज के बाद आप याद रखेंगे xt ग्राफ यानी फ्रॉम दिस ग्राफ, ऐसे आप याद रख सकते हो, नोट्स बना के लिख सकते हो, ठीक है ना, फ्रॉम दिस ग्राफ, यानी यहां पे जो स्लोप होगी इसकी उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे और आपको डायरेक्ट वेलोसिटी मिल जाएगी। सिंपल सा फंडा है दोस्तों। तो वेलोसिटी फ्रॉम दिस ग्राफ डायरेक्टली कैन बी रिटन एज v इक्वल टू tan थीटा, बस ये ध्यान रखना है आपने, बस सिंपल, थीटा पता होगा पुट कर देना, वेलोसिटी आ जाएगी। अभी तुम्हारे एग्जाम में नीट 2022 में जो क्वेश्चन आया था, बच्चों वाला क्वेश्चन था वो, ठीक है, वो नाइन्थ क्लास में भी फाउंडेशन बैच को सिखाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, वो आपको करना आना ही चाहिए था। क्वेश्चन क्या था, ये एक्सट्री ग्राफ है, यहाँ पे दो ग्राफ दे रखे थे, 1 2, ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल पहला ग्राफ, और दूसरा ग्राफ जो बना रहा था वो बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। उसने बोला जो फर्स्ट ग्राफ है उसकी वेलोसिटी लेट्स सी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, दोनों वेलोसिटी का रेशियो कैलकुलेट करो कितना होगा। तो क्या बात कर रहे हो यार, दोनों की वेलोसिटी हमें पता है, जब भी एक्सट्री ग्राफ गिविन होगा, हमें पता है जब भी एक्सट्री ग्राफ गिविन होगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो यू जस्ट कैलकुलेट द स्लोप, पहले छोटे वाले की निकाल लो, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो पहली वेलोसिटी इस छोटे ये वाले एंगल से निकाल लो, तो चूंकि ये वाला ग्राफ बना रहा है तो उसकी ये आगे, देखो फॉर्मूला आपके पास है, बिल्कुल इजी है अभी, बहुत इजी है, ठीक है, तो ये आ जाएगी। और v2 कैसे निकालोगे, टेंजेंट ऑफ थीटा टू ये रहा, इसको आप थीटा टू मान लो, इसको आप थीटा वन मान लो, तो दिस इज योर 60 डिग्री, डिवाइड करो या जो भी पूछे, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो, बस याद क्या रखना है कि एक्सटी ग्राफ से आपको स्लोप निकालनी है और वहां से आपको डायरेक्ट वेलोसिटी मिल जाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, एरिया नहीं निकालना है, क्योंकि इसके एरिया निकालने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सो एरिया यहाँ पे नीडेड नहीं है, क्योंकि उससे आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलता है। वी हैव टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द एक्सट्री ग्राफ एंड यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सिंपल सिंपल सिंपल। अब इसमें मैं कुछ केसेस यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कुछ कंडीशंस में ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना होता है और आप इजिली कैसे कर सकते हो। ओके गाइस, सो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बढ़िया तरीके से आप उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उसने बोला पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो बताओ उसका पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा। तो आप यहाँ पे टाइम लिखेंगे, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, और ध्यान से देखो वो रेस्ट पे है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है। तो हमने क्या करना है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज करो वो ओरिजिन से किसी डिस्टेंस अवे है, ठीक है, वहां पे वो रेस्ट पे है ना, एट टाइम जीरो पे, मतलब ऐसे आप समझ लो, सपोज करो ये ओरिजिन है और ओरिजिन से दूर किसी डिस्टेंस एक्स नॉट डिस्टेंस अवे पार्टिकल यहाँ पे है वो पार्टिकल, ठीक है, और वो यहाँ पे रेस्ट पे है, t इक्वल टू जीरो पे उसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, ऑलरेडी वो ओरिजिन से अवे है, ठीक है, मतलब जो ग्राफ आपने बनाना है वो ओरिजिन से अवे बनाना है। आपको पता है वो रेस्ट पे है तो टाइम चलता रहेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 3 डे, 1 ईयर, वो रेस्ट पे ही है, टाइम चल रहा है,
अरे टाइम इज द वेरिएबल बट वो रेस्ट पे ही है, ओरिजिन से अवे, यानी वो कहीं यहाँ है, सपोज करो वो कहीं यहाँ पे है और उसके पास ये जो वेलोसिटी है वो रेस्ट पे है और वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, तो बिल्कुल ऐसे चलता रहेगा। तो जब भी कभी इस तरीके की सिचुएशन आएगी, पार्टिकल इज एट रेस्ट है ना फ्रॉम द ओरिजिन सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, तो यू कैन सी कि उसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऐसा बनाना है जो कि इसके पैरेलल हो, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो। टाइम तो बट रहा है, देखो इस पॉइंट पे टाइम अलग है, देख लो ओरिजिन से टाइम देखते हैं, इस पॉइंट पे टाइम अलग है, यहां से टाइम अलग होगा लेट से टी वन, यहां से अलग होगा लेट से टी टू, और जैसे जैसे पार्टिकल ये आगे बढ़ता रहेगा, नॉट पार्टिकल, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहेगा ये कॉन्स्टेंट रहेगा, है ना, ग्राफ आपका कॉन्स्टेंट रहने वाला है, जो वेलोसिटी उसके पास यहाँ है वही वहीं पे रहेगी और वेलोसिटी में उसका कोई चेंज देखने को आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और जो उसकी पोजीशन यहाँ पे आई, पोजीशन एक्स नॉट है, ओरिजिन से ये ओरिजिन है, इतनी डिस्टेंस अवे है, तो ये सेम रहेगा क्योंकि रेस्ट पे है। और वैसे मैंने आपको बताया था ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, मतलब ये लाइन इसके साथ थीटा एंगल बना रही है और टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इसकी बनेगी टेन जीरो, तो वेलोसिटी जीरो, तभी तो बोला है रेस्ट पे है, तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो जीरो है क्योंकि ये इसके पैरेलल है और दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल जीरो होता है, तो उसकी स्लोप जीरो होगी, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ग्राफ, समझ जाएंगे, यानी एसटी ग्राफ में जब ऐसी लाइन बनी होगी समझ जाना पार्टिकल रेस्ट पे है, ओरिजिन से दूर कहीं रेस्ट पे है, वो नहीं मूव कर रहा है, टाइम जरूर चल रहा है बट वो नहीं मूव कर रहा है, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगर वो बोलता है इफ पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब जो उसकी स्पीड है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, विद ठीक है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के लिए जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे बॉस, यहां पर बनाएंगे एक्स और इधर बनाएंगे टी, और आपको बताइए एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ की स्लोप से ही आपको वेलोसिटी मिलती है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है और वो मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो नो प्रॉब्लम, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज करती हुई जा रही होगी। तो आपने जो ग्राफ बनाना है यहाँ पे सिंपल, और ये वाली कंडीशन याद रखनी है कि ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस अवे है और यहां से उसने अब चलना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, यहां से उसने अब पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया, रेस्ट पे नहीं है वो, चल रहा है अब, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ होगा ना, ये वाला जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, कांस्टेंट वेलोसिटी है चूंकि, है ना, वेलोसिटी कैसी है कांस्टेंट है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना बनके सीधा ऊपर को जाएगा, इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये डिस्टेंस है, ठीक है, और कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए अब आगे बढ़ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए आगे बढ़ रहा होगा, तो इस तरीके से आप इसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल आपने याद रखना है कि यार ये जो ग्राफ बनेगा ये एक ऐसी वेलोसिटी का बनेगा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, कॉन्स्टेंटली वो इंक्रीज कर रही है, और एक्सटी और इसकी स्लोप जब आप निकालोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलने वाली है, वेलोसिटी ही मिलेगी, सिंपल सा लॉजिक है, ये कंडीशन आप यहाँ पे याद रख सकते हो। एक पॉइंट आप यहाँ पे और याद रख सकते हो एक्सेलरेशन के केस में, ठीक है, एक्सेलरेशन के केस में आपने क्या याद रखना है, इफ द पार्टिकल इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, इफ पार्टिकल है ना, आप यहां पे लिखेंगे इफ पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है, विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, यानी उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब समझते हो आप क्या है, है ना, अगर थोड़ा मैथमेटिकली आप इसको ऑब्जर्वेशन करोगे ना तो और मजा आने वाला है आपको, इसको बनाने के लिए इजीली आप बना सकते हो, वैसे तो आप बना दोगे, देखो जैसे इसमें स्ट्रेट लाइन बन रही है, वेलोसिटी जो एक्सटी ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी अगर आपने बनाना है तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, अगर आपने कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन की बात करी है तो इसका जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे बनाएंगे आप एक्स और यहाँ पे बनाएंगे आप टी, ठीक है, और जो ग्राफ आपको नजर आएगा इसका कुछ इस तरीके से बनता हुआ यहां से नजर आ रहा है, इस तरीके से ग्राफ ऊपर को जाएगा, यानी कर्व बनेगा, स्लोप अपवर्ड रहेगी और ये इस तरीके से जाएगा। आप बोलोगे यार सर ये ग्राफ ऐसा ही क्यों बना, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अगर मैं मैथमेटिक्स थोड़ा सा इसमें आपको अप्लाई करके सिखाऊं तो आपने कैसे याद रखना है, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कांसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। उसने दिया कि सर एक्सेलरेशन तो है कांस्टेंट, मैंने बोला हाँ हमें चाहिए एक्स, यानी x वर्सेस t रिलेशन, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए x वर्सेस t रिलेशन चाहिए, आपको एक्सेलरेशन दे रखा है तो याद करो एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो dv ओवर dt लिख सकते हो ना, और ये एक्सेलरेशन दे रखा है कांस्टेंट, तो यहां dt चला जाएगा तो dv आ जाएगा c dt, ठीक है ना, c dt। अब आपको पता है कि जब भी हमें एक्सेलरेशन गिवन हो और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इंटीग्रेट करते हैं, या वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेट करते हैं, सीधे सी फंडा है, मतलब ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जब मैंने बताया था इफ a इज गिवन,
अगर ए दे रखा है तो इसके हेल्प से आप एक्स निकाल सकते हो या वी निकाल सकते हो, क्या करके, बाय इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन। ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो डी वी का तो बन जाएगा वी, और सी कॉन्स्टेंट है इसका बन जाएगा टी, तो सी कॉन्स्टेंट है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊंगा ना इस कंडीशन में, तो ये टी की पावर वन पे डिपेंड कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, सीधी स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमें चाहिए एक्स टी ग्राफ, तो फिर से ध्यान से देखो, अगर आपको एक्स टी ग्राफ चाहिए तो वी को क्या लिख सकते हो आप, डी एक्स ओवर डी टी लिख सकते हो, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, टी के। धीरे धीरे आएगा, आपको दिमाग में घुस जाएगा, टेंशन मत लो। देखो ये डी टी धर लेके जाओ तो आप लिखोगे डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या कुछ कॉन्स्टेंट ले लो सी, और टी तो पहले से ही डी टी आ गया, इसको इंटीग्रेट कर दो। देखो इसको इंटीग्रेट करो तो यहाँ आ जाएगा एक्स और सी बाहर आएगा, टी की पावर वन है, इंटीग्रेशन में पावर एक से ऐड हो जाती है, तो टी स्क्वायर बाई टू बनेगा। अब आप देखो जरा देखो जरा, जो x है वो t की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये पैराबोलिक फंक्शन है, ये पैराबोलिक है। तो यहां से मैंने इसलिए ग्राफ बनाया है कि ये ग्राफ किस पे डिपेंड करेगा, t स्क्वायर पे। और मैंने बताया था जब भी पैराबोलिक फंक्शन हो तो ऐसे ऊपर को जाएगा पॉजिटिव स्लोप के साथ, नाउ यू कैन सी, इसलिए वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अदरवाइज होता ये है, जब भी बोले कि पार्टिकल कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है तो समझ जाना यही ग्राफ बनेगा, ठीक है, समझ जाना ऐसा ही ग्राफ बनाना है अपने, ठीक है। और अगर वो पूछे x का फंक्शन t के साथ कैसा होगा, तो ये होगा x t की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, सिंपल है ना, लॉजिकली, ठीक है। और यहां पे ये ऐसे ही क्यों बना, क्योंकि यहां पे x t की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा होगा, ये इसलिए ऐसा बना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट है, और जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी तो आप लिख सकते हो वी, हमें एक्स और टी चाहिए, तो वेलोसिटी बोल रहा है उसने कांस्टेंट है, तो उसको आप लिख सकते हो डी एक्स अपॉन डी टू, मैथमेटिकल मीनिंग बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझियो। तो ये इधर आ जाएगा, तो डी एक्स इक्वल टू बनेगा सी डी टी, और ये इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर इनिशियल पोजिशन उसने कुछ ले रखी है तब ये यूज करना है अपने, अगर यहाँ पे इनिशियल पोजिशन ले रखी है तो जो लिमिट लगाओगे ना इनिशियल से फाइनल लगाओगे तो आप अंडरस्टूड है, इसका बन जाएगा एक्स, और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो डी टी का इंटीग्रेशन टी, ये रिलेशन बनता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये बना दिया, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये बना दिया। अगर उसके पास इनिशियल पोजीशन कुछ है नहीं है तो ग्राफ यहीं से स्टार्ट होता, अगर इनिशियल पोजीशन नहीं है तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता, ठीक है। तो ये मेन है कि किसको कांस्टेंट किया है, उसके हिसाब से मैथ लगा दो, थोड़ी सी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कंसेप्ट यूज कर लो, और ग्राफ तुम ड्रॉ कर सकते हो, आराम से समझ सकते हो कि ग्राफ को कैसे बनाया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, न्यूमेरिकल इनके हिसाब से कैसे सॉल्व करेंगे वो जस्ट मैंने आपको अभी बताया। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से पूछे जाते हैं, उनको ड्रॉ करना भी सीखेंगे और उनको न्यूमेरिकल कैसे क्रैक करने हैं ये भी सीखेंगे। बस उससे पहले आपको ये अप्रोच पता होना, होले होले आराम से प्यार से ध्यान से इनको सीखने के लिए जस्ट आपने बार बार एंड बार बार पढ़ना है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, बार बार पढ़ना है, वो आपके दिलो दिमाग में समा जाना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। ओके ओके यार, अब हम बात करने वाले हैं, यू नो थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा कि किस तरीके से अप्रोच करना है और इजीली आप कैसे क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, है ना, और इससे आप क्या क्या सीख सकते हो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं ना दोस्तों, तो यहां से आप तीन चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाय यूजिंग दिस ग्राफ, पहले तो लिख ही लो, है ना, बाय यूजिंग, ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, यूजिंग दिस ग्राफ, इस ग्राफ का अगर आप यूज कर रहे हो, वी कैन फाइंड, ठीक है, वी कैन फाइंड क्या सर, पहला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है, डिस्टेंस निकाली जा सकती है, एंड एक्सलोरेशन निकाला जा सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच की हाउ टू अप्रोच, हाउ टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा कैसे निकालना है, ठीक है। तो अगर पूछा है डिस्प्लेसमेंट तो आपने एरिया अंडर द कर्व निकालना है, टोटल एरिया निकालना है उस ग्राफ का, जो भी गिवन होगा उसका टोटल एरिया निकालना है। अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो भी टोटल एरिया निकालना है, तब भी टोटल एरिया ही निकालना है, ठीक है ना। आप बोलोगे सर दोनों में फर्क ही क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सेम ही होंगे क्या, नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये आपका रहेगा यू नो स्केलर, तो इसमें जितने भी एरिया आएंगे वो सब पॉजिटिव लेने हैं, ये इसमें जो एरिया प्लस आएगा वो प्लस लेना है, माइनस आएगा तो माइनस लेना है, अलजेब्रिक सम आपने लेना है। तो यहाँ पे एरिया निकालेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये समझो, इसको निकालने के लिए भी एरिया निकालेंगे, एक्सेलरेशन जब भी निकालेंगे तो स्लोप निकालेंगे, एक्सेलरेशन के लिए स्लोप निकालेंगे मतलब टेन थीटा निकालेंगे, बस इतना ध्यान देंगे आप, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना ध्यान देंगे आप, और कैसे आप यूज कर सकते हो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो भाई, जब भी आपको VT ग्राफ गिवन हो, VT ग्राफ का मतलब अब Y एक्सिस पे V होगा और X एक्सिस पे आपका टाइम होगा, ठीक है। सपोज करो गाइस,
मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से कोई भी रेंडमली एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, कोई एक ग्राफ यहाँ पे बना लिया, ठीक है। सपोज करो इस तरीके से एक ग्राफ मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इस ग्राफ का, ठीक है, इस ग्राफ का जो यहाँ से चल रहा है और यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, अगर मैं इसका एरिया निकालूँ, ये पूरा इसके अंडर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, ओ से लेके ए तक, इस लाइन के अंडर जो एरिया होगा ये, ठीक है, ये निकालूँ, तो ये जो एरिया होगा, टोटल एरिया जो भी होगा, ये हमें या तो डिस्टेंस देगा या ये डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। अब वो कैसे हम करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अगर इस ग्राफ का आपने स्लोप निकाला भाई, स्लोप किसी भी पॉइंट को मानते हुए इसका टेन थीटा निकाला इस पॉइंट के लिए, ठीक है, तो अगर आप इसका टेन थीटा निकालते हो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत क्लियरली, अगर मैं इसके दो पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करूँ, दैट इज वी टी, ठीक है, और ग्राफ आपने कुछ ऐसे माना है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो आप देख सकते हो इसको इसको ज्वाइन करो और ये एंगल बन रहा है थीटा, तो ये जो स्मॉल चेंज होगा ये वेलोसिटी का, ऑब्वियसली ये होगा टाइम का, और इसकी स्लोप अगर आप निकाल लेते हो टेन थीटा तो आएगी डीवी ओवर डीटी। नाउ यू कैन सी, इजी तरीका बता रहा हूँ कि इजीली कैसे अप्रोच कर दो, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स आपने नहीं लगानी है, ठीक है। तो ये डीवी ओवर डीटी क्या होता है, ये तो आपको सपनों में आता है, दिस इज योर एक्सेलरेशन, अभी तो पढ़ा था, ठीक है, दिस इज योर एक्सेलरेशन, तो दिस इज ए, तो ए क्या बन गया सर, टेंजेंट ऑफ थीटा, मतलब वो थ्री का मतलब क्या हुआ, अगर आपको वीटी ग्राफ दे रखा है देन द स्लोप ऑफ ग्राफ विल गिव अस द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब वीटी ग्राफ की अगर हम स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, एंड दिस इज योर इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जैसे वहां पे एक्सटी ग्राफ से वेलोसिटी मिल रही थी, यहाँ पे वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन मिलने वाला है, ये मेन पॉइंट है, ठीक है ना, ये याद रखना है, ओके। तो सर एरिया वाला मतलब ये तीन चीजें हम निकाल सकते हैं, स्लोप निकालोगे तो यू नो एक्सेलरेशन मिलेगा, एरिया निकालोगे तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब ये तो चलो क्लियर है, ठीक है ना, ये तो चलो क्लियर है आपके पास कि भाई एरिया ही तो निकालना है, एरिया ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, इट डिपेंड अपॉन की शेप कौन सी दे रखी है आपको, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं कि एरिया कैसे निकाले, है ना, और कैसे डिफ्रेंशिएट करेगी, ये डिस्टेंस देगा ये डिस्प्लेसमेंट देगा, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट वेट, ठीक है। अब क्या करेंगे देख लो भाई, सपोज करो ये आपका VT है, ठीक है, ये VT है और कुछ एरियाज आपको कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, छोटा सा प्यारा सा मैंने यहाँ पे सिचुएशन बना लिया, ठीक है। तो पता क्या करना है, आपने क्या करना है कि ये VT ग्राफ है और सपोज करो आपसे पूछा गया है डिस्टेंस, है ना, तो आप क्या करेंगे इसमें ग्राफ जितने भी एरिया बना रहा है, जैसे एक एरिया दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप जितने भी शेप दिख रही है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ठीक है, ए टू एंड दिस वन इज ए थ्री, तो टोटल एरिया निकालना है डिस्टेंस निकालने के लिए, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, और भी होते तो ऐड करते, केवल ऐड करना है, डिस्टेंस केवल स्केलर होती है, नेगेटिव कभी नहीं होती, तो एरिया हमेशा ऐड करना है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो टाइम एक्सिस से ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेने हैं और नीचे अगर कोई एरिया होगा तो वो नेगेटिव लेना है, मतलब अगर यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो तो ये वो एरिया ऊपर लाई कर रहा है तो ये तो प्लस ही लेंगे, प्लस ये एरिया नीचे है तो इसको नेगेटिव लेंगे, सिंपल, ठीक है, ये ऊपर है तो इसको प्लस लेंगे, और भी होते तो यही सिचुएशन आप अप्लाई करेंगे एंड देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। सो रियली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वीटी ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम डिपेंडेंट, एक्सेलरेशन निकालना तो क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे करना है, और ग्राफ से ग्राफ कैसे बनाने हैं, रिलेशन गिवन होगा उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ये मैं सिखाऊंगा ना, अभी सिखाऊंगा, जैसे अभी एक्सट्रीम में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो पहले तो ये देख लो आप, ठीक है, अभी क्वेश्चन भी करेंगे अभी इन पर डिपेंडेंट, कुछ क्वेश्चन मैं आपको रहूंगा, आपका फंडे क्लियर हो जाएंगे, फिर बाकी क्वेश्चन हम डीपीपी वगैरह से प्रैक्टिस करने वाले हैं मस्त तरीके से, ठीक है। बट जो रिलेशन डिपेंडेंट क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, मतलब उसके लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, ठीक है। सो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया बेसिक सा, आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें पूछा क्या जा रहा है, वो बोल रहा है फ्रॉम दिस ग्राफ, ठीक है, फ्रॉम दिस ग्राफ, ठीक है, फ्रॉम दिस ग्राफ आपने करना क्या है, फाइंड, ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, और दूसरा आपने निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको पूछा गया होगा, ठीक है। तो किस तरीके से आपने अप्रोच करना, और भी डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं ये भी आपने देखना है। तो यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो अभी जो मैंने आपको बताया, पहले एरियाज आप डिफाइन कर दो। देखो भाई, सबसे पहले ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे जाके यहाँ पे आता है, तो जहां ये टाइम एक्सिस को कट करे उस बस वहीं तक एक एरिया आपका बन जाएगा, दिस इज योर फर्स्ट एरिया, इसको आप A1 मानो, फिर ये नीचे जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक यहाँ कट करता है, एक एरिया ये बन गया आपका,
है ना, दिस इज सेकेंड एरिया। और अगर आप ध्यान से देखो, एक एरिया ये भी है, यहां से यहां से यहां तक, और ये पूरा का पूरा एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ट्रेपेजियम है, ध्यान से समझो। तो ये पूरा एक एरिया ए थ्री मान सकते हो। तो अगर आपने डिस्टेंस निकालनी है तो नो प्रॉब्लम गाइस, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये वाला एरिया ए वन, ठीक है, प्लस ए टू प्लस ए थ्री, यही होगा। तो टोटल एरिया कितना आ गया, ए वन। ये क्या है, हमेशा रेक्टेंगल मान के चलना है, हमेशा रेक्टेंगल मान के चलना है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ ले लो इसकी ये, और ब्रेथ ले लो इसकी ये। तो लेंथ क्या है, देखो यहां से यहां तक 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 आ गया। तो इसका एरिया, ये वाला एरिया जो आएगा, दिस इज 10 इनटू, और ये यहां से यहां तक इसकी ब्रेथ है 0 से 2, तो दिस इज लेंथ 2। तो आ गया कि नहीं 2, है ना, यही होता था ना यार एरिया रेक्टेंगल का, ठीक है। अब ये ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको, ट्रायंगल ले लेंगे, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, प्लस ये ए थ्री क्या है, ये है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, देखो यहां से लेके यहां तक ये साइड, और यहां से लेके यहां तक ये साइड, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो इसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी सम ऑफ जो पैरेलल साइड्स हैं आपकी, मैं लिखूंगा पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई करना है इसमें, इनटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस जो होगी परपेंडिकुलर लेना है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंपल। तो आप क्या करने वाले हैं, ये हो गया 20 प्लस हाफ, बेस क्या है इसका, बेस ये रहा बेस 2 यहाँ पे है, ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 2 से 3 यानी 1 आएगा, उनके बीच का डिफरेंस ले लेना बेस के लिए, ये 2 है 3 इनका बीच का डिफरेंस, दिस इज योर बेस, दैट इज 1 इनटू हाइट। हाइट क्या है इसकी, यहां से यहां तक, और ये आपको गिवन है दैट इज -4, ठीक है, ये आपको गिवन है दैट इज -4। तो आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है नेगेटिव में है माइनस, तो हमें पता है हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड, दिस इज 4 प्लस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी इस ट्रेपेजियम में ये साइड यहां से यहां तक इसका कितना होगा, देखो 4 से लेके 5 तक है, तो 4 - 5 ये 1 हो गई, फिर ये 3 से 6 तक है, तो यहां से यहां तक कितनी हो गई, 3 to 6 यानी 3 हो गई, 6 - 3 3 हो गई, तो 1 + 3 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी इन दोनों साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यही तो होगी, ये यहां मान लो, ये मान लो, एक ही बात है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी आपको दे रखी है यहाँ पे, दैट इज 6, ठीक है, ध्यान रखना दैट इज 6, ठीक है। तो ये 6 दे रखा है, अभी मैंने लिख दिया, पहले इसमें नहीं मेंशन था, तो आप ध्यान से देखेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है देखो, ये वाली, ठीक है, 0 से ये 6 तक, ये ही आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बस सॉल्व कर लो, 20 + 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 12, ठीक है, मेरे ख्याल से इतना आ रहा है। तो ये आ जाएगा दोस्तों आपके पास 34, ठीक है, इतनी मीटर, ठीक है, 34 मीटर ये आपकी डिस्टेंस आ गई, दिस इज योर डिस्टेंस, एक्चुअली दिस इज योर डिस्टेंस, है ना, अकॉर्डिंग टू ग्राफ दिस इज योर डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस वो इतनी कवर करेगा, यानी डिस्टेंस टोटली डिपेंड कर रहे हैं हमारे बचपन वाले फॉर्मूले के ऊपर, है ना, रेक्टेंगल ट्राइंगल एंड ऑल, इस तरीके के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। सर अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो नो वरी एट ऑल, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, देखो भाई जो एरिया पॉजिटिव हो पॉजिटिव लेना है, जो नेगेटिव है नेगेटिव, मतलब ये वाला नेगेटिव लेना है। तो ये कितना आया था अभी, देखो ये रहा 20 और ये कितना आया, ये वाला, ये रहा 2, तो इसको माइनस लेना है, बस समझ गए होंगे आप, और ये प्लस ही रहेगा क्योंकि ये ऊपर है, और वो कितना आया 12, ठीक है, ठीक है, तो ये बन गया 30, ठीक है ना, आप देख सकते हो ये बन गया आपका 30 मीटर। तो देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम आ रहा है और डिस्टेंस ज्यादा आ रही है, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, है ना, नेवर बी नेगेटिव। तो आप ये ध्यान रखेंगे, दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इजिली, है ना। इसके जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें और अच्छे से कंसेप्ट यूज होंगे, वो हम अलग से क्वेश्चन डिसाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे। पहले आप अपना बेसिक कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है ये सीख लो, किस तरीके से आपने पुराना, ठीक है, ओके गाइस। सो अगर मैं कंडीशन 1 ले लूं यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए, इफ पार्टिकल इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, एक तरीका तो है कि आपने देखा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और वेलोसिटी का ही ग्राफ बनाना है, तो कॉन्स्टेंट बनाने के लिए स्लोप 0 करनी पड़ेगी, मतलब टाइम के पैरेलल बना दो। मतलब अगर आपको ये मैं लिखूं वी और यहाँ पे लिखूं मैं टी, तो सीधा सा ये ग्राफ बन गया, ठीक है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो दे रखी है वो कॉन्स्टेंट है। एक तो ये तरीका है कि भाई सीधा आ गया, देखो सीधा, ठीक है ना, है ना, सीधा आ गया, बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी इसकी और इसकी जो स्लोप होगी वो 0 होगी। क्यों सर? क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, ये हमने अभी सीखा है। तो
तो हमें पता है ये लाइन इसके साथ थीटा जीरो डिग्री बना रही है, तो उसका मीनिंग क्या होगा? देखो अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो आप वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो क्या लिख सकते हो उसको, देखो v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो dv ओवर dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, और ये तो एक्सेलरेशन नहीं बन गया, dv ओवर dt दो तो a जीरो होगा, मतलब a जीरो होगा इस लाइन का, मतलब अगर कोई गाड़ी कोई व्हीकल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है, ऑब्वियसली समझ गए होंगे आप, मतलब आप कॉन्स्टेंटली मूव जा रहे हैं, आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे, डी एक्सेलरेट भी नहीं कर रहे, आप में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है ना यार, तो बिल्कुल सीधा चलता रहेगा अगर आप, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिस इज द वे, एंड इस तरीके से आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो। अब पॉइंट नंबर टू, इफ पार्टिकल इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो आप इस पे ध्यान देंगे, सबसे पहले तो ये पॉजिटिव है ना, और कॉन्स्टेंट भी है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो जैसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया, मतलब कॉन्स्टेंट रहे और पॉजिटिव भी रहे, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस कॉन्स्टेंट मान रहा हूँ और पॉजिटिव तो ऑब्वियसली यहाँ पे है ही, ठीक है, तो उसने बोला कि बताओ वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, बताओ इस कंडीशन में वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, वीटी ग्राफ कैसा बनेगा अगर उसका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, अगर वो गाड़ी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रही होगी, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रही होगी, मतलब उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, सीधी सी बात है, तो उसका मीनिंग क्या है, तो वीटी ग्राफ कैसे बनेगा, तो वीटी ग्राफ बनाने के लिए आपको एक्सेलरेशन से v वर्सेस t फंक्शन बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप नहीं बता सकते, देखो कैसे, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, dv ओवर dt, क्यों लिखा सर हमने ये, क्योंकि हमें v चाहिए और हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv ओवर dt, तो यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट, तो फिर वही करो, इसको इधर लेके जाओ, ठीक है ना, तो dv इक्वल टू आएगा c dt, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो देख सकते हो आप v इक्वल टू c और dt का इंटीग्रेशन t, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है, अगर ऑलरेडी पहले से गाड़ी कुछ वेलोसिटी के साथ जा रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम की पावर वन पे है, तो वेलोसिटी और टाइम का इस सिचुएशन में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब ओरिजिन को छोड़ के कहीं से भी ऊपर को ग्राफ बना दो, ऐसे सिंपल क्लियर, स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया मैंने, और पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यों बनाया, कैसे पता चला सर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि इसकी जो स्लोप है देख सकते हो यहां से, एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचो और वो स्लोप 90 डिग्री से कम है, टैन थीटा पॉजिटिव रहेगा, तो दिस इज योर ग्राफ, अगर इसको पीछे भी एक्सटेंड करना है ना तो पीछे ये एक्स एक्सटेंड होगा, यहां पे कट करेगा, ठीक है, आप समझ सकते हैं इसको, तो दिस इज योर ग्राफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ अगर गाड़ी जा रही है, मतलब गाड़ी की स्पीड देखो इंक्रीज कर रही है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, और इसी में इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद, ठीक है, यही वाला केस है, विद कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट तो है बट नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर गाइज नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन इस पे आते रहते हैं, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो नो प्रॉब्लम, जब नेगेटिव लिखोगे ना यहाँ पे, यानी ए तो होगा लेकिन माइनस सी होगा, कॉन्स्टेंट तो है लेकिन नेगेटिव है, तो जब ये वैल्यू निकालोगे तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टी आएगा, यानी टी की पावर वन तो है लेकिन नेगेटिव है, और नेगेटिव स्लोप है इसका मतलब, वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब स्लोप नेगेटिव है, मतलब आप किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे वी लेना और यहाँ पे टी लेना, जो ग्राफ यहाँ से आप ऊपर को स्टार्ट किया था आपने, अब उसको नीचे को लेके आओ, बस सिंपल, क्यों नीचे को लेके आओ, देखो यहाँ से, क्योंकि ये जो ग्राफ एंगल बनेगा देख सकते हो 90 से ज्यादा है, मतलब ये करेक्ट है और स्ट्रीट लाइन है और नेगेटिव स्लोप बनानी चाहिए, सो दिस इज, जब भी वो रिटार्डेशन की बात करें, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन की बात करेगा, जब भी रिटार्डेशन की बात करे समझ जाना यही करना है बॉस, सो दिस इज योर ग्राफ, ठीक है, और इसका आप इक्वेशन भी बना सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास कुछ वेलोसिटी है, इनिशियल यू वेलोसिटी है, इसके पास इनिशियल यू वेलोसिटी है, आप बना सकते हो इनका, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में रिलेशन बना सकते हो, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको पहले अंडरस्टैंडिंग करनी आनी चाहिए कि क्या सिचुएशन दे रखी है, ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है, ये यहाँ पे बहुत जरूरी होने वाले हैं हमारे पास, ठीक है, ये बहुत जरूरी बातें हमारे पास, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन में लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा एक एक, थोड़े एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूँ आपने कैसे यूज करना, लास्ट ग्राफ देख लेते हैं जल्दी से, व्हाट इज दैट, एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ओके गाइस, सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट ग्राफ हमारे पास, सबसे पहले तो आप याद रखें इस ग्राफ से आपको मिल क्या सकता है, इस ग्राफ से केवल एंड केवल यू विल गेट द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आपको मिलने वाली है, यानी डेल्टा वी, कैसे मिलेगी सर, स्लोप निकालेंगे या एरिया, दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, दो ही चीज निकाल सकते हैं, तो स्लोप निकालेंगे या एरिया निकालेंगे, एरिया है ना, बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द कर्व,
एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व। ये मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप अप्रोच कैसे करोगे, आपको तुरंत कैसे पता चल जाएगा कौन सा ग्राफ दे रखा है और ये निकालना है तो उसके लिए क्या करें, वेलोसिटी निकालना है तो क्या करें, डिस्टेंस निकालना है तो क्या करें, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करें, ये ग्राफ ये वाला ग्राफ है तो इसमें किस तरीके से कंसेप्ट यूज करें। तो जब भी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो एरिया निकालना है केवल, और उससे वेलोसिटी नहीं मिलेगी, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, ध्यान देना, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, ये बहुत जरूरी है, चेंज मिलेगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी नहीं। कैसे मैं बताऊंगा, सपोज करो ये ग्राफ इस तरीके से मैंने ले लिया, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहां से यहां तक आप इसको देखें और इतना एरिया सपोज करो ये वाला कवर कर रहा है, या पूरा एरिया भी ले सकते हो आप, ठीक है। यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ है ए पॉइंट से, इसको ए ले लो और इसको बी ले लो, ठीक है, ये देखो इसको मिला दो टाइम एक्सिस पे, दोनों यहां पे कवर कर रहे, तो इस पूरे ग्राफ के अंदर जो भी आपको रीजन नजर आ रहा है ये पूरा, इसी को बोलते हैं एरिया, सही है, इसी को बोलते हैं एरिया। जैसे हमारे घर पे छत डाल देते हैं ना, तो छत के नीचे जितना भी स्पेस होता है जो कवर हो जाता है वो एरिया ही है उसका, ठीक है। सो दिस इज योर एरिया, यू विल गेट दैट एरिया एंड दैट एरिया विल गिव अस चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है जी। यानी आप लिख सकते हो उसको फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सिंपल है यार। तो करेंगे क्या, किस तरीके से सॉल्व करेंगे सर, तो एरिया जो होता है ना, एरिया का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना, एरिया का यहाँ मीनिंग क्या है, बेसिकली एरिया का मीनिंग है, चूंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ये, तो एरिया का मीनिंग होता है, चूंकि हमें पता है एक्सेलरेशन होता है डीवी ओवर डीटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कब मिलेगी, देखो डीवी इज इक्वल टू एडीटी, तो ये इंटीग्रेट कर दो, तो यार ये जो चेंज इन वेलोसिटी यहां से मिलने वाली है आपको डेल्टा वी, ये मिलेगी ए डी टी, और एरिया इनटू टाइम जब मल्टीप्लाई होता है, ये जो इंटीग्रेशन यहां बन रहा है दैट इंटीग्रेशन का मतलब ही है, मतलब मैथमेटिक्स में जो एरिया अंडर द कर्व है वो इंटीग्रेशन है इस एटी ग्राफ के लिए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया, ठीक है, यहां से मिलेगा, मतलब एटी ग्राफ से आप यू नो एरिया निकाल लो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मीनिंग होता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आपने, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्लोप में हम डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन हमारी मैथमेटिक्स हो जाती है, और यहां पे हमारा इंटीग्रेशन, तो यार जब भी ये वाली सिचुएशन आ जाए ना, ए डी टी या वी डी टी समथिंग लाइक दैट, तो ये ही हमारा मेन मोटो यहां पे होता है, और ये चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेशन जो होता है उसका मीनिंग ही होता है कि हमें एरिया अंडर द कर्व मिलेगा, वो हमें एरिया अंडर द कर्व देगा। तो बस आपने कुछ नहीं सोचना, बस एरिया निकाल लेना, दैट्स इट। बस एक चीज का वही ख्याल रखना है, जैसे ये एटी ग्राफ आपको दे रखा है और इस तरीके की कुछ सिचुएशन यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है, ये एटी है और ये इस तरीके से फिर से सिचुएशन है, तो ये जो ग्राफ होगा और ये जो ग्राफ होगा और ये जो ग्राफ होगा, बस इसमें क्या होगा, चूंकि चेंज इन वेलोसिटी निकालने यहाँ पे नो प्रॉब्लम, यहाँ पे जो अप साइड एरिया रहेगा उसको पॉजिटिव लेंगे, लोअर साइड एरिया इसमें नेगेटिव लेंगे, तभी आएगा आपका आंसर, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी जब भी निकालनी होगी तो आप लिखेंगे ए वन, ये एरिया ए वन है और ये ए टू है, तो माइनस ले लेंगे, ऊपर वाला प्लस ले लेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। और इसको आप लिख सकते हो वी टू माइनस वी वन, वी वन इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये फाइनल होगी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और इनिशियल वेलोसिटी आपको कुछ ना कुछ गिवन होती है, वी वन को आप मान लेंगे कुछ इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ गाड़ी जा रही होगी, ये आफ्टर सम टाइम है ना, आफ्टर सम टाइम जब भी वो पूछे, ठीक है, किसी भी टाइम पे पूछेगा, तो एरिया निकालना है, ऊपर का एरिया प्लस लेना है, नीचे का है, और सबको ऐड कर देना है नेगेटिव लेके, ठीक है, सिंपल है, आराम से अप्लाई करेंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आराम से हम यूज कर सकते हैं। अब ये सारे कंसेप्ट मैं न्यूमेरिकल के थ्रू ही आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा, क्योंकि तभी आपको एप्लीकेशन करना आएगा, प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा ना मस्त तरीके से। ओके गाइस, सो अब हम बात कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, जो कंसेप्ट हमने सीखा उसको अप्लाई करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मस्त तरीके से, ठीक है। ओके, देर इज यू नो फर्स्ट एग्जांपल जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से आप उनको हैंडल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चन आपको गिवन है, और ग्राफिकल क्वेश्चन को सबसे पहले देखा करो कि ग्राफ किन दो वेरिएबल के, मतलब किन दो क्वांटिटीज के बीच में बन रहा है, ठीक है, ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है, एक्सटी ग्राफ है या वीटी ग्राफ है या एटी ग्राफ है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपना कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रखा है आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ओ वाओ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और जब भी एटी ग्राफ होता है तो मैंने आपको बता रखा है एटी ग्राफ से केवल एंड केवल हम कैलकुलेट कर सकते हैं यू नो द चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर फाइंडिंग, व्हाट इज दैट सर, आफ्टर फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व, नॉट द स्लोप, ठीक है ना सर। और कुछ और निकाला जा सकता है, हाँ वो डिपेंड करता है, वो पूछ के आ रहा है, देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। उसने बोला फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, उतरी यार सर ये तो 80 ग्राफ है, आपने तो बोला था चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, आराम से रुको,
रुको, ठीक है, उसने बोला एवरेज एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 20 सेकंड, है ना, ये जो ग्राफ है जीरो से स्टार्ट होके ऐसे जा रहा है, देखो फिर ऐसे जा रहा है और यहां से यहां तक जाने में 10 सेकंड का टाइम ले रहा है, फिर यहां तक जाने में 20 सेकंड, फिर यहां तक जाने में 30 सेकंड, उसने बोला फर्स्ट 20 सेकंड तक, मतलब केवल यहां तक बात करेंगे हम, है ना, ग्राफ की हम यहां तक बात करेंगे। और जैसे उसने बोला एवरेज एक्सेलरेशन निकालो, याद करो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है, किस टाइम इंटरवल में निकालना है, फर्स्ट 20 सेकंड केवल यहां से यहां तक, ठीक है, तो पहले इसको पुट कर दो, है ना, उसको पुट कर दो जितना टाइम दे रखा है किस टाइम पीरियड में निकालना है। अब हमें बस फोकस करना है चेंज इन वेलोसिटी कहां से निकाले देगा, आगे ना हम कंसेप्ट पे, एटी ग्राफ है, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व, तो जस्ट कैलकुलेट एरिया, ठीक है, एरिया निकालते हैं कहां तक, केवल 20 सेकंड तक, यानी यहां तक, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए एज वेल एज ये वाला एरिया चाहिए, होगी ना, कमाल की बात, चेंज इन वेलोसिटी पूछेगा तो भी कर लेंगे और एवरेज एक्सेलरेशन पूछेगा, एटी ग्राफ दे रखा है तो ये भी हमें सीखने को मिल गया। तो भाई एरिया निकाल लेते हैं, पहला एरिया A1, दूसरा एरिया A2, दोनों एरिया अपसाइड है तो पॉजिटिव लेंगे, सो A1 प्लस A2 यू कैन राइट, सो द टोटल एरिया यू कैन राइट, दिस इज A1 एंड दिस इज ए ट्राइंगल, सो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसका, 0 से 1, ठीक है, ये रहा बेस, तो 0 से 10, तो ये 10 हो गया आपके पास, ठीक है, इंटू हाइट क्या है इसकी, ये वाली, यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट है ये तो भाई 20 है, देखो 0 से लेके यहां तक इसका पीक पॉइंट ये रहा, तो ये हो गया 20 प्लस। अब A2 देखते हैं, A2 क्या है, देखो भाई ये तो रेक्टेंगल है, तो ये लेंथ ले लो इंटू ये लेंथ ले लो, तो ये कितनी है 20 ही है, इंटू ये वाली लेंथ कितनी है यहां से यहां तक, तो यहां पे है 10 और यहां पे है 20, उनके बीच का डिफरेंस होगा 20 - 10, दैट इज 10, सो दिस इज योर 10, तो ये 5 आ गया, ये 100 आ गया, प्लस 200 आ गया, यानी 300, ये आ गया एरिया, एरिया का मतलब ये आ गया टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ओके, इस चेंज इन वेलोसिटी को उठा के यहां पटक दो, तो दिस इज 300/20 और आप देख सकते हो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज योर एवरेज एक्सेलरेशन हियर, ओके, सो नाउ यू कैन सी दिस इज योर एवरेज एक्सेलरेशन, एक बार आप चेक कर लो, डेटा जरूर चेक करना होता है ना, कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक तो नहीं करी है, देख लेना, कंसेप्ट ये है, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन पूछेगा तो ये करना है, 80 ग्राफ है, क्लियर। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे, और इस टाइप के काफी क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस भी करने हैं, तो यार सर इसमें क्या है, एक और बेहतरीन चीज इसमें आपको सीखने को मिल रही होगी, क्या सर, देखो यहां पे क्या है कि एग्जांपल नंबर 2 में मैंने क्या लिया है, 80 ग्राफ लिया है, दिस इज योर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है ना, दिस इज योर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, पूछा क्या वो देख लेते हैं पहले, उसने बोला अ पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस विद इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, इनिशियल स्पीड है उसकी, है ना, मतलब इस क्वेश्चन में वो जो पार्टिकल है वो किसी पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा है, जैसे मैं बाइक पे जाने लगो, आप गाड़ी पे जाने लगो, आफ्टर सम टाइम आप अपनी स्पीड चेंज कर दो, ठीक है, फाइंड इट्स स्पीड यानी इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एट t इक्वल टू 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड पर उसकी जो गाड़ी की स्पीड होगी, उस पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, यू हैव टू कैलकुलेट, तो यार स्पीड की बात कर रहा है, मतलब वेलोसिटी की बात कर रहा है यहाँ पे, और ये 80 ग्राफ है, ठीक है, 80 ग्राफ है ये, तो अभी अभी मैंने बताया 5 पे, तो 5 सेकंड तो कंप्लीट यहां पे हो रहे हैं, अगर 5 सेकंड यहां कंप्लीट हो रहे हैं और ग्राफ भी यही तक है, तो आपने पूरा एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, देखो ये वाला एरिया भी अलग अलग डिवाइड कर लो, फर्स्ट एरिया मान लो उसको, और ये जो दिख रहा है ये ट्राइंगल सा, ये सेकेंड एरिया मान लो, और ये जो दिख रहा है आपको ये थर्ड एरिया मान लो, आप देख सकते हो, एंड दिस वन इज योर फोर्थ एरिया, दिस इज फोर्थ एरिया, तो 5 सेकंड तक बात कर रहा है, तो हमें पता है 80 ग्राफ से वी कैन कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज द टोटल एरिया, ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी को हम लिखेंगे 5 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी वो निकालनी है, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल आपको दे रखी है, ठीक है, इक्वल टू 80, 80 कैसे निकालोगे, एरिया ये भी पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, तीसरा और चौथा नेगेटिव है, आप देख लो नेगेटिव है, तीसरा और चौथा आपका नेगेटिव है क्योंकि नीचे है ना, टाइम एक्सिस के नीचे है, और वो वाला एरिया आप नेगेटिव लेंगे, तो बस निकाल लो, देखो अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने करना है सर, ये तो हमने कैलकुलेट करना है बिल्कुल, और ये आपको दे रखी है कितनी सर, 5 = A1 निकाल लो, यानी ये एरिया, ये यहां से लेके यहां तक का एरिया, और ये एक रेक्टेंगल है वो तो आपको पता है, लेंथ इंटू उसकी ब्रेथ, तो 5 * 1 हो गया, ठीक है, फिर ये ट्रायंगल का एरिया यूज कर लो इसके लिए, तो 1/2 * बेस, बेस देखो इसका 1 से 2 है तो 1 ही होगा ना, है ना, इसका डिफरेंस यहां से यहां तक 2 - 1 दैट इज 1, ठीक है, इंटू उसकी हाइट देखो ये वाली 5 है भाई,
फाइव माइनस ए थ्री यानी थर्ड एरिया, ये छोटे वाला ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यार ये पूरा ट्रायंगल भी लिया जा सकता है वैसे अगर देखा जाए। चलो मैंने अलग अलग का लिख दिया तो मैं अलग अलग ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला देखो यहां से यहां तक, ठीक है, ये इसका बेस होगा और ये इसकी हाइट होगी, बेस है टू से थ्री, तो ये आ जाएगा थर्ड वाले में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगी ये, और ये दे रखिए देखो इधर टेन, और चूंकि आप ऑलरेडी नेगेटिव ले चुके हो तो माइनस टेन ही पुट करना है, टेन ही पुट करना है, ठीक है। दिस इज टेन, ए थ्री ले लो माइनस हाफ इंटू बेस इस वाले की थ्री से फाइव तक, तो थ्री टू फाइव यानी फाइव माइनस थ्री टू बचेगा, ये कहीं बीच में फोर दे रखा है बट हमने थ्री से फोर फाइव लेना है तो ये टू हो गया, इंटू हाइट इसकी यही रहेगी टेन, बस सॉल्व कर लो। तो वी फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू दिस इज फाइव एंड दिस इज प्लस टू पॉइंट फाइव, ठीक है, माइनस फाइव और माइनस टेन, तो माइनस फाइव ये हो गया आपका कैंसिल, ठीक है, यहाँ माइनस टेन है एंड दिस इज टू पॉइंट फाइव, तो ये वी पॉइंट दिस इज माइनस फाइव इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव और ये माइनस टेन है, तो माइनस टेन में जब इसको ऐड करोगे 2.5 को तो आपको पता है आपको आंसर मिलने वाला 7.5, वो भी नेगेटिव का, और ये 5 इधर आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपके पास v5 आ जाएगा माइनस 7.5 प्लस 5 माइनस 2.5, इतनी मीटर पर सेकंड होगी, आप चेक कर सकते हैं, और नेगेटिव का मतलब है ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होगी, ठीक है। तो माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम यानी एट t इक्वल टू 5 सेकंड। तो बस तरीका समझना है आपने, अप्लाई कैसे करना है ये समझना है आपने, बाकी तो आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के बाद आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया, और क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो आराम से आप क्वेश्चन उड़ा सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, सो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, और धीरे धीरे हमारे समझ में आ रहा होगा, हमें यू नो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के तरीके पता चल रहे होंगे कि कैसे अप्रोच करना है और कैसे क्वेश्चन को क्रैक कर देना है, ठीक है। आराम से माइंड खोल के बैठना है विदाउट एनी स्ट्रेस, ओके। तो बस पहले सीख लो, एप्लीकेशन करना सीख लो, उसके बाद धुआंधार क्वेश्चन जाके सॉल्व कर सकते हो मस्त तरीके से, ठीक है। तो यार यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने दिया है वो लिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको तरीका बता चुका हूँ कि यार या तो डिस्टेंस पूछेगा डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है देखो, अगर यहाँ पे आपसे पूछता है कि डिस्टेंस निकालो, ठीक है, डिस्टेंस निकालो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकालो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्टेंस के लिए सारा एरिया आप देख सकते हो, सारा एरिया अपर साइड में है, पॉजिटिव है, तो चाहे डिस्टेंस निकालो चाहे डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही आएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव ही है। आप कैलकुलेट करके मेरे को बताना, आप खुद देखना, तो सबका एरिया निकाल लेना बस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेन मुद्दे की बात है, उसने पूछा है फ्रॉम द ग्राफ फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन निकालना है हमने इससे, है ना, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और याद करो, अगर पूछता डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो एरिया निकालते, तब हम एरिया निकालते, ठीक है, एरिया निकाल लेते तुरंत। लेकिन चूंकि एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो वी हैव टू कैलकुलेट स्लोप, ठीक है, हमें स्लोप निकालना है, मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा निकालना है। लेकिन वो पता है क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पे आप फोकस करें, है ना, होले होले खाते पीते आराम से देखते जाए और अपनी एनर्जी मेंटेन रखे बॉस, ठीक है। उसने बोला मैक्सिमम एक्सेलरेशन, वर्ड्स को पकड़ा करो, उनका मीनिंग समझा करो, ठीक है। अब क्या करें सर, देखो स्लोप को लिख लो पहले, स्लोप क्या होती है टेन थीटा, यानी एक्सेलरेशन अगर निकालना है और वो भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको आपको पता है एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा कब, जब ये जो टाइम डिफरेंस है ये कम होगा, टाइम डिफरेंस जो मिनिमम होगा, है ना, टाइम डिफरेंस कम होगा तो कम से जब इसको डिवाइड कर रहे हो तो एक्सेलरेशन आपका बढ़ जाएगा। तो इसमें हर एक ग्राफ की स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है, आपने आपने उस ग्राफ को पकड़ो जिन जिन जिसके दोनों एंड्स पे जो टाइम डिफरेंस है वो सबसे कम हो, है ना। कैसे सर, देखो आप यहां से चलो और आपका ग्राफ यहां तक जा रहा है, इसको मान लो ओ से ए तक, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, फिर ये ग्राफ पैरेलल हो जाता है बी तक, ठीक है। यानी देखो जब वो ओ से ए तक गया तो यहां से यहां तक का टाइम डिफरेंस है 0 से 20, मतलब ये टाइम डिफरेंस है 20 सेकेंड, ठीक है। फिर वो ए से बी गया तो इनके बीच का टाइम डिफरेंस देखो 20 to 30, दैट इज 10 सेकेंड, हमें मैक्सिमम चाहिए। फिर वो गया यहां से यहां तक, ठीक है, ये सी पॉइंट मान लो, यहां से यहां तक सी, और इनके बीच में ये वाला टाइम है 30 और ये वाला है 40, तो यहां से यहां तक का टाइम डिफरेंस भी कितना है आपके पास 10 सेकेंड ही है, ठीक है। फिर वो नीचे आया इधर देखो यहां से, तो ये है यहां पे 40 और जब नीचे आया 70, तो इनके बीच में है 30 सेकेंड, ये तो वैसे भी नहीं निकालना है, ये तो सबसे ज्यादा टाइम डिफरेंस है, सबसे ज्यादा तो सबसे कम हो जाएगा, हमें तो सबसे ज्यादा चाहिए। तो सबसे कम टाइम डिफरेंस कहां कहां पे आया ये देख लो, 20
दस दस ये दोनों सेम है, देखो ये दोनों सेम है और ये सबसे कम है क्योंकि यहाँ टाइम डिफरेंस 20 है, यहाँ 30 है, ये 10 10 है। तो मतलब सब क्या दो एक्सलेशन निकालेंगे क्या? हाँ, दोनों को चेक करना पड़ेगा बॉस, ठीक है। अब देख लो, आ जाओ जरा, सबसे पहले फ्रॉम ए टू बी आ जाओ, ए टू बी, ठीक है। इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बचाओ अपना, है ना। जहां पे ज्यादा टाइम डिफरेंस वहां कम एक्सलेशन होगा ना कि ज्यादा, ठीक है। तो ए टू बी देखो, ए से बी तक इसकी स्लोप निकाल लो, है ना। ए से बी तक एक्सलेशन क्या होगा? ए टू बी, ए टू बी होगा टेन थीटा से निकालेंगे, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ए टू बी आपके पास आ रहा है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका परपेंडिकुलर ये रहा और इसका बेस ये रहा, परपेंडिकुलर पे कितना है? दिस इज 20, नॉट 2, दैट इज 20, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 20 ओवर, टाइम डिफरेंस कितना है इनके बीच में यहाँ पे? नो, मैं इसको क्यों निकाल रहा हूँ? नॉट ए टू बी, यस ए टू बी, दिस इज नॉट ए टू बी, मैं गलत कर रहा हूँ यार। ए टू बी तो ये लाइन पैरेलल है उत्तरी, ए टू बी तो ये लाइन पैरेलल है किसके? टाइम एक्सिस के। और जब लाइन पैरेलल हो टाइम एक्सिस के, तो ए टू बी तो एंगल जीरो हो गया, यानी जीरो आ रहा है, ए टू बी तो जीरो आ रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। चेक करना पड़ेगा बॉस, देख लो भाई, ये वाला ग्राफ तो उसके पैरेलल हो, मैंने बताया था कोई भी लाइन जब पैरेलल होती है उसका एंगल जीरो, मतलब उसका स्लोप जीरो है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप ऐसे भी कह सकते हो ए से बी तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट ग्राफ है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, मतलब उसकी स्लोप तो जीरो है। ओ वाओ, अब हम देखेंगे बी से सी, चलो भाई फ्रॉम बी टू सी, फंडा क्लियर हो रहा है बॉस, धीरे धीरे होले होले। तो आप क्या करेंगे सर? एक्सेलरेशन बी टू सी, तो ये फिर से निकालेंगे टेन थीटा से, ठीक है, स्लोप ही निकालनी है ना हमने, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बी से सी जाना है केवल ये, तो बी को थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो देखो ये ट्राइंगल बन गया, ये वाला बन गया, देखो ये 90 है और ये एंगल बना रहा है कुछ, ठीक है, जो हम निकाल रहे हैं। तो इसका परपेंडिकुलर होगा इतना और इसका बेस होगा इतना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर पे क्या है ये, यानी यहां से लेके, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है इसका, ये हो गया 20, देख लो परपेंडिकुलर पे, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो यहाँ पे आई है 20 और ये वाली लाइन जो यहाँ पे आई है 60, ठीक है। तो ये 20 पे है इसका मतलब और ये 60 पे है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, 60 20 के बीच का होगा 40, तो दिस इज 40 ओवर बेस, बेस ये रहा यहां से यहां तक, वो हमने पहले निकाल रखा है 10, तो आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। और इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा है? जीरो की ये ऑब्वियसली 4, सो द मैक्सिमम एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस होल ग्राफ केवल एंड केवल आपको बी टू सी मिलेगा। तो ए मैक्स की जो वैल्यू है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। आपने कंसेप्ट समझ लिया होगा, मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ, बहुत आराम से शिद्दत के साथ इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आपने रिकॉग्नाइज करना है। आप इनमें निकालोगे तो उसकी स्लोप तो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, ये तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, उसका मिनिमम आएगा क्योंकि टाइम ज्यादा है इसका, इसका भी टाइम इनके कंपेटिवली ज्यादा, दोनों सेम थे तो इसलिए हमें दोनों को चेक करना पड़ा। ये जीरो है, इन दोनों में जो ज्यादा होगा वही आंसर है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर ना, मजा आ गया ना बॉस? इसी तरीके से हमने क्वेश्चन को क्रैक करना है, सीखना है सारे कंसेप्ट। अब मैं आपको क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ, यहाँ पे कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ जो ग्राफ डिपेंडेंट होते हैं। मतलब सर अभी भी तो ग्राफ ही कर रहे थे, हाँ कर तो रहे थे, बट ग्राफ से ग्राफ कैसे बना सकते हो? ग्राफ कन्वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। वैसे तो अभी तक ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया, बट फ्यूचर में आने की पूरी उम्मीद हो सकती है, ठीक है। सो लेट्स सी टू ग्राफ कन्वर्जन, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ बाय द गिवन ग्राफ। ओके, ग्राफ कन्वर्जन कैसे करना है ये आपने ध्यान से सीखना है। दो तीन एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उड़ाते हैं, ठीक है जी। लेट्स सी गाइज, फॉर एग्जाम्पल वन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वन, व्हाट इज दैट? अगर आपको एक एक्स टी ग्राफ दे रखा है ना, देख लो एक्स टी ग्राफ दे रखा है, कुछ भी दे रखा होगा, उसकी मर्जी है भाई, वो कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है। सर ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। लेट्स सी ये दे रखा है उसने कुछ ऐसे, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, ठीक है। वो बोल रहा है कि ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ बेस दिस ग्राफ, ड्रॉ वी टी ग्राफ, ठीक है, वी टी ग्राफ ड्रॉ करो उसकी हेल्प से। क्या करो भाई? वी टी ग्राफ ड्रॉ करना है बॉस, ठीक है। तो यार सर अब क्या करेंगे, देख लो आराम से, मतलब एक्स टी दे रखा है और वी टी बनाना है, तो जब भी ये सिचुएशन आए तो पहले बना दो, यहां लिख दो वी और यहां पे लिख दो टी। तो फिर जब भी आप किसी ग्राफ की हेल्प से किसी दूसरे ग्राफ को बना रहे होते हो, तो जो गिवन ग्राफ है उसको पार्ट वाइज डिवाइड कर लो, उसके नेचर वाइज कि अभी सीधा जा रहा है फिर ऐसे हो गया, तो ऐसे डिवाइड कर लो। तो सपोज करो वो यहां ओरिजिन ओ से चला, ए तक बिल्कुल स्ट्रेट है, देखो स्ट्रेट है, फिर ए से इधर बिल्कुल पैरेलल हो गया, ये हो गया पैरेलल टू दिस एक्सिस, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर ले मैंने, तो मैं पहले ओ से ए तक का नेचर चेक करूंगा इसका, एक्स टी का, और हमें बनाना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ,
ठीक है, एक समझ में आएगा तो सबका लॉजिक सेम है, ठीक है, सबका लॉजिक सेम है, ध्यान से समझिए। तो हम क्या करेंगे पता है, पहले आप देखो ओ से एक एक्स का नेचर कैसा है, तो देखो स्ट्रेट है, पासिंग थ्रू ओरिजिन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो कोई भी स्ट्रेट ग्राफ जब बनता था याद करो एक्स इसका मतलब टी की पावर वन पे डिपेंड कर रहा है। लीनियर फंक्शन ग्राफ तो तभी बनेगा ना, लीनियर फंक्शन ग्राफ कब बनेगा, जब एक्स टी की पावर वन पे डिपेंड करेगा। तो यहां से आप एक्स का रिलेशन डिफाइन कर दो, ठीक है, उसको जब भी एक्स का रिलेशन आ जाए, देखो अगर ये एक्स का रिलेशन आ गया, जैसे एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है और हमें वेलोसिटी चाहिए, तो उसको डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी के लिए, डी एक्स अपॉन डी टी, और टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन, और वन तो एक कॉन्स्टेंट है, मतलब यहां से जो वेलोसिटी आ रही है वो कॉन्स्टेंट आ रही है, आप चेक कर सकते हैं, वन तो नंबर है ना कॉन्स्टेंट, यानी जो ग्राफ बनेगा ओ से लेके ए तक वो एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा। और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ग्राफ मतलब ऐसी लाइन बनाओ ओ से, ऐसी लाइन बनाओ जो पैरेलल हो जाए, है ना, कॉन्स्टेंट तो तभी होगी ना वेलोसिटी जब इसके इस एक्सिस के पैरेलल होगी, देख लो इसके पैरेलल, तो यहां ओ से ए तक ये ग्राफ पैरेलल हो गया है। बस ये कैसे पता चला, हमने इसको कैलकुलेट किया, पहले हमने इसका रिलेशन बनाया, उसको डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी के लिए, फिर हमने देखा यार वेलोसिटी तो कांस्टेंट आ रही है और प्लस में आई है, तो हमने स्ट्रेट लाइन बना दी, सीधी सी बात है। अब आप ए से बी गए, ए से बी यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट आपका ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, ए से बी डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया और उसको आप डिफरेंशिएट कर दो dx अपॉन dt, तो याद करो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, उत्तरी मतलब वेलोसिटी जीरो आ गई, तो मतलब a से b तक पार्टिकल रेस्ट पे हो जाएगा और तुरंत ही ग्राफ यहां से नीचे आएगा और ये रेस्ट पे हो जाएगा, इसका ग्राफ टाइम एक्सिस पे आके टूट जाएगा ऐसे, यहां वेलोसिटी होगी जीरो, ठीक है। तो पहले ऐसे फिर तुरंत है वेलोसिटी जीरो कहां होगी, y की वैल्यू जीरो कहां होगी, x पे मतलब इस पे, तो जैसे ही वेलोसिटी जीरो ये ग्राफ ऊपर से तुरंत नीचे आ जाएगा, है ना, जहां ये खत्म है वहां से तुरंत नीचे गिरेगा जाके, जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, फर्स्ट फ्लोर पे तो ग्राउंड में गिरोगे जाके, समझ गए, तो आपकी यहां पे वेलोसिटी जीरो, दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, है ना। इस तरीके से आपने रिजल्ट बनाने हैं, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है क्योंकि इसको सीखना थोड़ा सा ऑसम हो सकता है क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट को थोड़ा सा ये रेरर सिखाया जाता है, लेकिन आपने शिद्दत के साथ सीखना है, कोई भी डाउट आएगा तो मेरे को फिर से बोल देना, मैं आप ही के लिए हूँ यार, यू डोंट वरी अबाउट दैट, आप मेरे से अपने सवाल, आपके दिमाग में उठ रहे सवाल पूछा करो, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप डीपी भी सॉल्व कर रहे हो, आप कहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो मेरे से क्वेरीज करो, मेरे से पूछो, कुछ हम लाइव इंटरेक्शन भी किया करेंगे, मैं आपको गाइड किया करूंगा हर चीज के रिगार्डिंग। कभी कभी क्या होता है, हम हेजिटेट करते पूछने में, नहीं नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है ना, रिजल्ट हमने प्रोड्यूस करने हैं, तो उसका मतलब आपने अपने सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है मेरे साथ मिलकर, ठीक है, ओके। सो लेट्स सी, तो ये हो गया। अच्छा सर और भी करेंगे क्या, हाँ हाँ और भी करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है, ओके गाइस। सो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, उसके थ्रू आपको और बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आएंगे कि ग्राफ से ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो यार सर इसमें क्या बनाया जा सकता है, अगर आपको वीटी ग्राफ गिवन है तो आपसे बोल सकता है कि ड्रॉ VT से, आपसे पूछ सकता है AT ग्राफ बनाओ और आपसे पूछ सकता है XT ग्राफ बनाओ, ये भी पूछ सकता है, दोनों ग्राफ बना सकते हो, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, दोनों ग्राफ इससे बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम देखते हैं, ठीक है, तो लेट्स सी। तो उसने बोला कि सर यहां लिखेंगे A और इधर लिख देंगे टाइम। अब हमने जैसे मैंने बोला जो ग्राफ जा रहा है, जो ग्राफ दे रखा है उसको पार्ट वाइज आप डिवाइड कर लो नेचर वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो ए टू बी, ए टू बी देखो केवल, तो ए टू बी स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ये जो वेलोसिटी है और ये जो टाइम है ये इस तरीके से है कि ये इसकी जो स्लोप है ये भी देख लिया करो, स्लोप जो है इसकी लेस देन 90 है, है ना, और ये t की पावर 1 पे डिपेंड करेगा तभी ये स्ट्रेट लाइन है, ये मैंने सब कुछ आपको सिखा रखा है, ठीक है, यस। अब हमें अगर a से b तक हमें एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है तो हमें पता है वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, और अगर एक्सेलरेशन निकालना है यही के यही इसको डिफरेंशिएट कर दो dv ओवर dt और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, मतलब इसका जो dv ओवर dt तो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है क्योंकि यहां 1 और 2 और 3 हो तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है a से b तक वो कांस्टेंट है, मतलब आपने ग्राफ बनाना है ऐसे, ठीक है, कांस्टेंट लाइन हमेशा इसके पैरेलल बनानी होती है, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन आया कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज कर लिए तो एक्सेलरेशन हो गया उसका कांस्टेंट, ठीक है। अब आ रहे हैं आप बी से सी, और आपने देखा ये जो स्लोप है ये तो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, उत्तरी है ना, हाँ बिल्कुल है सर, तो मतलब इसकी स्लोप नेगेटिव है वैसा ही सेम, है ना, है स्ट्रेट लाइन ही, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टी कह सकते हो आप, तो ये नेगेटिव में आएगा, देखो जब इसका आप एक्सेलरेशन निकालोगे वो माइनस कांस्टेंट आएगा, यानी अगर आप तुरंत नीचे जाएगा, तुरंत नीचे और ये इसमें
नेगेटिव में कॉन्स्टेंट होगा। आप देख सकते हो ये नेगेटिव रीजन है इधर, ठीक है। फिर से आप इसको इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, तो ये ग्राफ जो है कॉन्स्टेंट है यहाँ पे नेगेटिव में, ठीक है। ये नेगेटिव रीजन और ये आपका पॉजिटिव रीजन, नाउ यू कैन सी। तो इस तरीके से ग्राफ का कन्वर्जन आप कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से समझना, यहाँ से ग्राफ तुरंत नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बी से सी तक, ठीक है। दिस इज बी से सी एंड दिस इज ए टू बी, ठीक है। ये आपके पास दिख रहा होगा कि आपने कैसे बनाया। तो सीधा सा फंक्शन है, जो ग्राफ गिवन है उसका फंक्शन बना दो, उसको डिफरेंशिएट कर दो। वो डिपेंड करेगा डिफरेंशिएट करना है कि इंटीग्रेट करना है। अगर VT दे रखा है और V से आगे बढ़ रहे हो, जैसे ऐसे ऐसे आपको याद होनी चाहिए चीजें, अगर आप X से V जा रहे हो, V से A जा रहे हो, तो X से V जाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और V से A जाने के लिए भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप उल्टा करो, A से V जा रहे हो और V से X जा रहे हो, तो अगर A से V निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब इंटीग्रेशन होगा, समझ गए होंगे। और V से X निकालना तो भी इंटीग्रेशन होगा, मतलब ये रूल आप याद रखेंगे। और यहाँ डिफरेंशिएशन होगा, ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ डिफरेंशिएशन होगा आपका, समझ गए। कूल कूल कूल, ऐसे याद रखना है। ओके, एक और ले लेते हैं, धीरे धीरे आपको और मजा आने लगेगा। एक और लेते हैं, तो यहाँ भी लिया मैंने एटी ग्राफ, लेट्स सी, दिस इज योर एटी ग्राफ। और एटी ग्राफ कुछ आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये आपको एटी ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है, लेट्स सी, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ग्राफ को आप मान लो ओ से ए और ये मान लो ओ से बी, इसका कुछ टाइम पीरियड यहां से यहां तक का टाइम होगा टी वन और यहां पे खत्म हो जाएगा टाइम, लेट्स सी टी टू, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि ड्रॉ वी टी ग्राफ, ठीक है, ड्रॉ वी टी ग्राफ, ठीक है। आपने वी टी ग्राफ यहाँ पे ट्राई करना है, ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो क्या करेंगे यार सर, मतलब हम इसको बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ लिखोगे V और इधर लिखोगे आपका T। तो सबसे पहले आप यू नो नेचर वाइज ग्राफ को स्टडी करोगे, तो यहां से यहां तक का ग्राफ चेक करो। तो आपने देखा A और T में ये स्ट्रेट लाइन नेचर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होगा और ये स्लोप नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव स्लोप के साथ जाएगा। मतलब इक्वेशन बनाएंगे तो बनेगी, बट वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि नेगेटिव स्लोप पे टी की पावर वन पे डिपेंड करने वाला है। हम डिपेंडेंसी देख रहे हैं, पूरा फंक्शन हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये आपने ध्यान देना, वरना तो एक इसकी इक्वेशन आपको यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, वो एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो हमने बनाना है वीटी ग्राफ। चलो भाई, पहले यहां से यहां तक चेक किया मैंने, यहां से यहां तक देखा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यस। तो हमें चाहिए वीटी, तो ए वी कैसे मिलेगा, ए से वी कैसे मिलेगा, डीवी ओवर डीटी से मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। तो फिर से देखो क्या करना पड़ेगा, dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी dt, इंटीग्रेट करना पड़ेगा और v आएगा आपका t की पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2, यानी t की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है और प्लस है क्योंकि ये स्लोप पॉजिटिव है। तो यार ये भी पैराबोला है, यानी इसका ग्राफ भी ऐसा जाएगा, देख लो बिल्कुल वैसे वैसे बनना है जो अभी मैंने बनाया था। नहीं, XT जब आप यहाँ पे बनाओगे ना, XT वो आप बिल्कुल इसी तरीके से समझ सकते हो, इसको आप खुद ट्राई करना, मैंने यहाँ AT बनाया है केवल, ठीक है, ठीक है, पहले उसको समझ लो। तो ये बन गया O से A, ठीक है, दिस इज O से A। अब क्या होगा सर, अब इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव है स्ट्रेट ही, लेकिन नेगेटिव स्लोप है, तो इसकी पावर T स्क्वायर बाय 2 नेगेटिव में आएगी। तो समझना, जब स्लोप नेगेटिव आए, इस वाले स्लोप की बात कर रहा हूं, तो ये ग्राफ यहां से नीचे को जाना स्टार्ट करेगा, ऐसे यहीं से इस तरीके की स्लोप आपने बना दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बस, जब पॉजिटिव स्लोप ऊपर को, नेगेटिव स्लोप नीचे को जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगी उस ग्राफ की, ओपनिंग डाउनवर्ड, एंड दिस इज वीटी। एक बना लो, दूसरे की स्लोप नेगेटिव देख लो, बस नेचर वैसे ही रहेगा और आप ग्राफ इजिली ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट द गिवन ग्राफ इंटू अदर ग्राफ, जो आपको गिवन होंगे उनका यूज करके आप बढ़िया तरीके से बना सकते हो। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अपने आप ट्राई करना, बनाना सीखना, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, सपोज करो ये एटी ग्राफ आपको दे रखा है दोस्तों, ठीक है, एटी ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, ये ग्राफ दे रखा है और इसकी हेल्प से आपने ड्रॉ करना है वीटी ग्राफ, ठीक है, इसकी हेल्प से आपने ड्रॉ करना है वीटी ग्राफ। और एक ये एक्सट्री ग्राफ हो गया आपके पास, तो ये मेरे को सॉल्व करके बताना बढ़िया तरीके से। अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन, जो बहुत बार हमारे एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको मैं जल्दी से उड़ा देता हूँ, बात कर लेते हैं और उसको आपने सीखना है। हर टाइप की कैटेगरी हमने यहाँ पे देख लिया कि ग्राफ के क्वेश्चन कैसे करने हैं, ग्राफ से ग्राफ कैसे बनाने हैं, लेकिन आपको उसमें ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट ऑसम होना चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछो, ठीक है। ओके गाइस, सो ये बेहतरीन सी एक सिचुएशन है, इस पर डिपेंडेंट काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो आपने देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को आपने हैंडल करना है, ठीक है। सो लेट्स सी, देखो मैं काफी यू नो धीरे धीरे प्यार से
बातें कर रहा हूँ आपके साथ, मैं चाहता हूँ, मेरे को पता है ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही लॉट ऑफ प्रैक्टिस के बाद आते हैं। सो अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो आपने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और बढ़िया मन लगा के नोट्स बना के अच्छे से सीखना है, ठीक है? ओके, बढ़िया तरीके से, ठीक है? सो दिस इज अ बॉल एंड अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, जैसे होती है नॉर्मली एक बॉल है उसको तुरंत आप ऊपर फेंकते हो डायरेक्ट 1D में, ठीक है ना, फिर उसको कैच करते हो, ठीक है? सो देन द विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट, देन ऐसे मत लिखो उसको, ऐसे लिखो उसको, देन ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है? देन ड्रॉ, ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंट VT, है ना, देन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन, लिख लो उसको बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है, फॉर बॉल वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपने ड्रॉ करना है उस बॉल का, सीधे ऊपर फेंक दिया आपने बॉल, ठीक है? तो लेट्स सी, देखना भाई ध्यान से, ठीक है? तो सपोज करो ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है ना भाई, ये ग्राउंड सरफेस है, तो ये एक बॉल है आपके पास, ठीक है? जैसे आप इसको ऊपर फेंकेंगे तो आप इसको स्पीड देंगे, यानी फेंकते समय जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, और जैसे ये बॉल ऊपर जाएगी धीरे धीरे ऊपर को जा रही होगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे हो जाएगी और मैक्सिमम हाइट पे स्पीड हो जाती है 0। सर ऊपर जाने पे स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि नीचे को जी काम कर रहा है और जी यहाँ कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है, ठीक है? तो वेलोसिटी जैसे से ऊपर जाएगी बॉल, उसकी वेलोसिटी कम होगी और यहाँ जाके 0 हो जाएगी, ठीक है, वो रिटार्ड हो रही है। लेकिन फिर वो बॉल आपको पता है नीचे भी आएगी, जब वो नीचे आ रही होगी बॉल, है ना, वो नीचे आ रही होगी, आप देख सकते हो, तो अब चूंकि जी नीचे को एक्ट कर रहा है तो जो बॉल की स्पीड है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है ना, इंक्रीज करेगी। बट ध्यान से समझना, जब वो ऊपर को जा रही थी तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, जब वो नीचे को आ रही है तो उसके अपोजिट आ रही है तो उसकी डायरेक्शन नेगेटिव लेनी है, क्योंकि ये रेफरेंस बनाना यहाँ बहुत जरूरी होता है जिससे आप इजिली क्वेश्चन को कर सको। और जो जी है वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है, जी कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है, यानी अप जाते हुए वेलोसिटी कम हो रही है और इनिशियल पॉइंट जो होगा ये यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, और जो फाइनल पॉइंट होगा यहाँ पे वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम मिलेगी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी 0 है, क्योंकि ऊपर जाते समय वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही होगी, आपने इमेजिन कर ली होगी सिचुएशन। नाउ हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, देख लो भाई। तो जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो हम बनाएंगे यहाँ वी वर्सेस टी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? तो देखो जहां से आपने इसको फेंका है ना भाई, जहां से फेंका है दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, और वहां पे जो स्पीड आपने दी फेंकते समय, आपने स्पीड दी वो मैक्सिमम है, यानी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट तो नहीं होगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि अगर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तो वी ओरिजिन पे 0 हो जाता है, तो ग्राफ इससे ऊपर कहीं स्टार्ट होगा यहां से, तो यहां पे जो भी स्पीड होगी उसकी मैक्सिमम होगी, बस ऐसे याद रखना, ठीक है? अब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, जाएगा किधर ये इंपॉर्टेंट है, तो जाएगा किधर, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, ये बात समझ रहे हो आप, ग्राफ जो बनेगा आपका वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि अगर आप ये हाईएस्ट पॉइंट की बात ना करो, यहां पे बात करो, सपोज करो इस पॉइंट पे आफ्टर सम टाइम फेंकने के बाद किसी टाइम टी पे आप इसकी वेलोसिटी निकालो, तो हमें पता टी टाइम के बाद वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो वेलोसिटी हो जाती है यू प्लस एटी, तो वी इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी माइनस जीटी, क्योंकि अप जा रही है, एक्सलेशन डाउन है, तो ये हो गया, देखो तो ये बन गया आपका। अब देखो यहाँ पे जो v है ना फाइनल वेलोसिटी, वो t की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये कंफर्म है। अगर बहुत सारे ग्राफ ऑप्शंस में आपको गिवन हो गए तो स्ट्रेट लाइन चूज करना है, कैसे करना है ये बता रहा हूं। और जो ये gt है इसके सामने नेगेटिव साइन है, यानी स्लोप नेगेटिव होगी, नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, नीचे की डायरेक्शन में, और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो देखो ये इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है यहाँ, तो ग्राफ पक्का नीचे आएगा, क्योंकि इसकी स्लोप नेगेटिव है, टी के सामने नेगेटिव साइन है तो स्लोप नेगेटिव, तो ग्राफ नीचे 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 ऐसे चलेगा, ठीक है? जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी ग्राफ नीचे जाएगा, समझो बात को, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी ग्राफ नीचे जाएगा, जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है, जैसे ही बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी ग्राफ हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, तो ये वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी, यानी यहां पे वेलोसिटी 0 होगी। तो ग्राफ को अंडरस्टैंड करो, जैसे ही ग्राफ टाइम वाले एक्सिस को टच करेगा वहां वो मैक्सिमम हाइट पे है, यानी ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है? अब वो जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी बढ़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव होती है, तो ग्राफ सीधा चलता रहेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, समझ गए? तो दिस इज वन, यानी पहले हमने वी का नेचर देखा, स्ट्रेट लाइन है, फिर स्लोप देखी, ठीक है? तो देखो नीचे आ रही है, यानी ये वाले जो सिचुएशन है ना, ये इनिशियल है जब ग्राउंड से उसको फेंका होगा, और जैसे जैसे ग्राफ नीचे आ रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और नेगेटिव में यहाँ पे, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीजेज इन नेगेटिव डायरेक्शन, यहाँ वेलोसिटी डिक्रीजेज इन पॉजिटिव, यानी अप, दिस इज दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्राफ है ये अपवर्ड मोशन के लिए, ठीक है, ये भी ध्यान दो, पूरा पूरा ब्रेक करो, है ना, सिचुएशन को, ये वाला जो ग्राफ है ये डाउन मोशन के लिए, ठीक है,
ये डाउन के लिए है, बस ऐसे याद रखना, स्ट्रेट लाइन एंड ऑल। ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर गलती से आपसे पूछ बैठे सर अगर उसने वेलोसिटी नहीं बोला, ठीक है, उसने बोला स्पीड, स्पीड तो वेक्टर होती है, स्पीड तो स्केलर होती है, नॉट वेक्टर इसके पास, तो डायरेक्शन भी नहीं होती है, मतलब स्पीड का ग्राफ यही बनेगा, बट जब ये यहां से यहां जाएगा तो ये जो नेगेटिव रीजन में ग्राफ है नीचे, क्योंकि नीचे आपको पता है माइनस वाई एक्सिस होती है, ये नेगेटिव वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा, यानी पॉजिटिव बना देना इसको, ऐसे बस ये अब पूछाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लेके तुरंत ऊपर जाएगा, तो ये ध्यान रखना, स्पीड वर्सेस टाइम पूछा तो ये होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम पूछा तो ये होगा, है ना, मस्त है ना भाई, आराम से आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी क्रैक कर सकते हो। एक आइडिया आपके दिमाग तक मैं देना चाह रहा हूं कि आप कैसे समझे और कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कुछ जनरल सिचुएशंस में यहाँ पे एग्जांपल आपके तौर पे, उसके तौर पे आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कैसे आ जाते हैं सर, सपोज करो दोस्तों आपको एक्सटी ग्राफ दे रखा है, ठीक है, एक्सट्री ग्राफ आपको दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, आपसे पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। देखो भाई, सपोज करो एक ग्राफ ऐसा दे रखा है आपको इस तरीके से एक्सट्री ग्राफ में, तू बोल रहा है कि बताओ ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं है इन 1D, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, अगर जब भी ये सिचुएशन आए तो यहाँ पे एक्स लिखा है, यहाँ टाइम लिखा है, टाइम एक्स एक्सिस वाली एक्सिस पे होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वाई एक्सिस जो है ये पैरेलल, ये वाई एक्सिस जिस पे एक्स लिखा है ये वाली, इसके पैरेलल एक लाइन खींचो इस ग्राफ पर, अगर वो लाइन इस ग्राफ को दो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है तो पक्का वो ग्राफ पॉसिबल हो ही नहीं सकता, बस ये याद रखना। देखो ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करने से इस वाली एक्सिस के यहां पे भी कट कर रही है, मतलब यहां पे भी उसकी स्पीड होगी और यहां पे भी होगी, मतलब एक टाइम पर उसके दो स्पीड है, लेट्स सी ए V2, लेट्स सी ए V1, ठीक है, ये V2 और ये V1, और टाइम सेम ही है, सेम टाइम पे किसी भी चीज के पास दो स्पीड हो ही नहीं सकती, आप जा रहे हो आपके पास एक ही समय पे दो स्पीड दौड़ रही होंगी यार, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। पहचानना कैसे, ऐसे पहचानना, यू जस्ट ड्रॉ द पैरेलल लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, सिंपल, ठीक है। अच्छा सर ओके, अगर सर ऐसा हुआ तो सपोज करो कोई ग्राफ ऐसा है, तो देखो इसको कहीं भी आप देखो, यहाँ पे यू नो ड्रॉ करोगे तो ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक टाइम पे एक ही स्पीड होगी, यहाँ पे कट करो एक टाइम पे एक ही स्पीड होगी, एक ही पॉइंट पे अगर कट करता है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। तो यार ऐसा हुआ सर तो, है ना, आपको धीरे धीरे आ रहा है, कैसे कर रहा हूँ मैं, सपोज करो सर ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया मेरे को, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जब ड्रॉ करोगे आप, तो एक दो पॉइंट है, यहाँ पे भी टाइम सेम है, इन दोनों पॉइंट के नीचे टाइम सेम है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे। कभी कभी धोखा देने के लिए पता क्या करेगा, कभी कभी वो टाइम को इधर लिख देगा और एक्स को इधर लिख देगा, या वेलोसिटी वगैरह जो भी होगी, ठीक है ना, उसको इधर लिख देगा और ग्राफ दे देगा आपको, सपोज करो समथिंग लाइक दैट। तो आप अब ध्यान देंगे इस बात पे, पता चला आपने तुरंत ऐसे किया और एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इट इज पॉसिबल, नो, टाइम देखो कहां पे है, टाइम देखो, टाइम आ गया इस एक्सिस पे, तो टाइम अगर इस एक्सिस पे है तो जो आपने लाइन ड्रॉ करनी है वो इसके पैरेलल लेनी है, ना कि इसके, ठीक है, तो टाइम के तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, देखो ये लाइन टाइम वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर, यहां पे परपेंडिकुलर, यहां परपेंडिकुलर, ठीक है, तो आपने ऐसे खींचनी है लाइन ऐसे। अब देखो ध्यान से, ये यहां पे भी कट कर रहा है, यहां पे भी कट कर रहा है, और यहां पे अलग वेलोसिटी आएगी यहां पे, क्योंकि एक्स इस एक्सिस पे आ गया, टाइम एक ही है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो धोखा मत खाना, एक बार आईटी ने ऐसा क्वेश्चन बना दिया तो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट यू नो वन डायमेंशनल मोशन के सारे कॉन्सेप्ट, सारे ग्राफ के कॉन्सेप्ट, सारे बेहतरीन न्यूमेरिकल हमने डिस्कस करे हैं, बाकी क्वेश्चन डीपीवी एंड ऑल उससे आप करेंगे, पीवाई क्विज जरूर करेंगे, और मस्त तरीके से काफी क्वेश्चन आपसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आप देख लो, मस्त तरीके से सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे कवर किए हैं, और आपको बस अब लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, मतलब अब आपने काम करना है, ठीक है, अपने ऊपर। अब आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वही आपकी यू नो स्ट्रेंथ है, और उसी से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है। तो डीपीपी करना, सॉल्व करना, कोई डाउट आएगा तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे से बात करेंगे, मेरे से पूछेंगे। और पता क्या किया करो, जब आपसे डीपीपी में सपोज करो आंसर की नहीं है, सपोज करो समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उनको देखो कि ऑप्शंस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो आप सर्च कर सकते हो कहीं से भी, ठीक है, और फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वो क्वेश्चन पर्टिकुलर मेरे को उसका स्क्रीनशॉट डाल दो और मैं उसको सॉल्व करके दूंगा। जितने भी बच्चे लोग उसको डालेंगे देंगे, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा और उसको अपलोड करूंगा, उसके सारे सॉल्यूशन आपके हो जाएंगे। और मैं वैसे भी ट्राई करूंगा आपको, चलो मैं दे दूंगा जो जब धीरे धीरे अच्छे अच्छे चैप्टर्स आएंगे कि आपके पास यू नो आंसर की भी चली जाए, ठीक है गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, प्रैक्टिस करते रहना तब तक, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।